हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि शाम को 6 बजे कक्षा 9 के एनसीईआरटी गणित होती है, तो उसी क्रम में हम उपलब्ध हैं लेकर के आपकी क्लास। बच्चों, बहुत से लोग जुड़े हैं जिनके कमेंट आ रहे हैं, मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ, लेकिन पहले पढ़ाई बाद में बातचीत, ठीक है। एक्सरसाइज 13.2 में टोटल 11 क्वेश्चन है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एनसीईआरटी बुक वाले जल्दी कमेंट करके बताओ। कुल 11 क्वेश्चन है ना, जिसमें से मैं 8 से 9 क्वेश्चन बता दूंगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि ऊंचाई 14 यानी 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी आपको CSA दिया है, कर्व सरफेस एरिया दिया है, तो बेलन के आधार का व्यास यानी डायमीटर आपको फाइंड करना है। बेलन क्या है, कैसे है, आइए मैं आपको इधर एक फिगर बना के दिखा देता हूँ। साइड में देखिए यहाँ फिगर, ये क्या है, बेलन है। बेलन जिसको इंग्लिश में सिलेंडर बोला जाता है, इसकी हाइट 44 दी गई है बाबू, यानी ये आपकी जो हाइट है वो कितना है, 44 है। ये कितना है, 44 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में कह रहा है ना, क्यों? हाँ, आगे अब देखो इसमें जो जो दिया है पहले लिख लो, लिखो भाई यहाँ पे सब फटाफट दिया है। गिवन, गिवन क्या क्या गिवन है, एच दिया है इसमें 44 सेंटीमीटर, ओके, नो डाउट। आपको CSA दिया है यानी कर्व सरफेस एरिया इसमें दिया है 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एंड इसमें d=2r, ये d=2r में काहे को बोल रहा हूँ, अभी आगे आपको पता चलेगा, आगे बढ़ते चलिए, ठीक है, ओके। अब देखिए एक्चुअली जो फार्मूला होता है यहाँ पे नीचे लिखिए, चूंकि कर्व सरफेस एरिया बराबर, या फिर ऐसे लिख लीजिए, तो आप जानते हो ना CSA कर्व सरफेस एरिया ना, चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इंग्लिश में लिख लेंगे आप शॉर्टकट में CSA इक्वल 2πRH, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताया हूँ, जानते हो ना, तो ये आपको 88 दिया है, क्यों भैया दिया है ना, 2 × π का मान 22/7 × r, यहाँ से हमें r की ही वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि हमें r पता नहीं है, समझ रहे हो, r मिल जाएगा तो फिर व्यास मिल जाएगा। चलो R इंटू H, H का वैल्यू 44, अब देखिए H का मान तो मैंने 44 रख दिया, लेकिन इसमें ध्यान दो यार, ये 44 दिया है कि 14 दिया है, सॉरी एक मिनट देखो, तो क्वेश्चन में देखो स्क्रीन पर 14 सेंटीमीटर दिया है ना, 14 दिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, आ जाओ इधर आ जाओ, ये बबुआ कितना दिया है, 14 दिया है, तो इसे 14 कर लो, इसे 14 कर लो और आसान हो जाएगा, ठीक है, ये 7 से कट जाएगा, 7 × 14, तो आपका 88, इसको गुणा करोगे तो 44 टू जाइए 88 इंटू आर, यानी हम कह सकते हैं कि आर की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, यहाँ से किसी को कोई डाउट नहीं। आपसे डायमीटर पूछा गया था ना, बेलन के आधार का व्यास पूछा गया था, भाई सिंपल है, सिंपल है रे बाबा, निकाल लेना, हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा ना, ही पूछा था, यहाँ पे आप निकाल लो फिर, d=2r होता है, तो r का मान 1 है, तो d का मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, बस ये आंसर आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं ना, लिख लीजिए जल्दी से, कुछ भी कहना है कमेंट करके बताइए फट से। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया बेटा। अगला सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बहुत जल्दी ध्यान दीजिए, जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें बहुत जल्दी ले लें, वीडियो को रोक के पुश करके फट से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से स्क्रीन पर, कह रहा धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर के आधार वाली बंद बेलना का टंकी बनाई जानी है, इस कार्य में कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन सेकंड देख रहे हो, समझ में आ रहा है ना, हा? चलिए इसका फिगर बनाते हैं, एकदम सेम टू सेम ऐसे फिगर देखिए, ऊपर आपको दिख रहा है सेकंड क्वेश्चन का, ऐसे कुछ एक क्या करना है, टंकी बनाना है जो 1 मीटर ऊंची है और 140 सेंटीमीटर व्यास वाली है, ठीक है, 0.7 मीटर चौड़ी है, यानी ऊंची थोड़ी सी ज्यादा है बस, और चौड़ाई भी लगभग उसी के एवरेज में है, तो वैसे बना दिया गया, ठीक है। आइए इसको थोड़ा और सुंदर कर दीजिए, सुंदरा आकार बना दीजिए, टंकी ही है तो, इसकी ऊंचाई दिया है बाबू आपको, कितना दिया है,
वन मीटर, और इसका जो व्यास है वो 0.7 मीटर होगा ना। अच्छा तो कुछ बोल रहा है ना, यानी ये कुल मिला के 140 है सेंटीमीटर में टोटल। ओके, जो इसमें दिया है लिख लीजिए, लिखिए हाइट, क्वेश्चन सेकंड है, लिखिए दिया है गिवन h इक्वल 1 मीटर। ओके, यही तो दिया है। d इक्वल दिया है बाबू आपको 140 सेंटीमीटर इक्वल 0.7 मीटर। ध्यान रखना सब कुछ मीटर में दिया है, तो मान आप मीटर में रखोगे, और मीटर में चेंज करना आपको आना चाहिए, 9 में पहुंचे हो, नहीं आएगा तो कमेंट करके बता देना। और क्या दिया है, r बराबर दिया है क्या? अगर नहीं दिया तो ऐसे कर लेना, ठीक है, डी अपान टू। यहाँ पे ध्यान दो, एक मिनट भाई, सॉरी, यहाँ पे ये तो 1.40 मीटर हो जाएगा, ये ऐसे नहीं कन्वर्ट होगा भाई, 100 से भाग करोगे ना आप इसे, इतना मीटर हो जाएगा। लेकिन अभी आपको फिलहाल कुछ करना है नहीं, यहाँ पे इसको चेंज करना है, 140/2 इक्वल ये 70 सेंटीमीटर आएगा इक्वल 0.7 मीटर, ये ठीक है, ये आपका आ रहा गया। अब देखिए हमें टोटल कह रहा कि कितने वर्ग मीटर की चादर की आवश्यकता होगी, यानी इस टंकी को बनाने में टोटल कितने चादर लगेंगे, हम कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, पूर्ण पृष्ठ निकालेंगे इस टंकिया का, बस वही आंसर है। आपने पढ़ा है, लिख लीजिए टंकी का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, शॉर्टकट में इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें टी एस ए इक्वल 2πr × h+r, यही होता है ना, यही होता है ना, लिख लीजिए 2πr × h+r। तो 2 × π का मान 22/7 × r, r का वैल्यू बाबू कितना आया है 0.7 आया मीटर में, इंटू एच का मान 1 है और r का मान 0.7 है। ध्यान देना ये कट जाएगा, 0.1 आएगा, ये 44 × 0.1 × 1, ये भी 7 आएगा, समझ में आ रहा है ना। देखो इसका गुणा करोगे 17 × 68 के 8 हासिल आया, 6 × 17 = 68, तो 70 ये 76, क्यों सही जा रहा है, 74 आएगा यार, 17 × 68 और 68 में 6 जोड़ोगे तो 74 आएगा। 112 डिजिट पे यहाँ पॉइंट हो जाएगा 7.48 मीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे खत्म हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, 13.2 एक्सरसाइज जिसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है संलग्न चित्र में धातु का एक पाइप है जो कि 77 सेंटीमीटर लंबा है, जैसे कि मैंने पाइप बना दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिए और समझ लीजिए। आगे क्या कहता है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। अभी मैं दोनों का मतलब आपको समझाता हूँ, इसमें आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास का क्या मतलब है, ठीक है। जैसे कोई पाइप है, कोई वस्तु है, तो उसकी कुछ मोटाई होती है ना, अगर उसको अंदर अंदर में नापोगे तो मोटाई अलग होगी, बाहर से नापोगे तो कुछ अलग होगी। जैसे मैं इसे समझाने की कोशिश करूं तो थोड़ा रुकना, दिखा रहा हूं, देखिए मेरे पास में एक पाइप है लेकिन ये काफी बड़ी है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लग ना जाए कहीं, ये दिख रहा है आपको पाइप, दिखी ना, इसमें आप एक चीज नजर थोड़ा सा लगाइए, आप मुझे देख पा रहे हो क्या, देखो एक मिनट, दिख रहा है, आप मुझे देख पा रहे हैं इसमें, हाँ, तो इसमें समझिए मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको, ये मैंने कोना दिखाया है इसलिए, इसमें थोड़ा समझिए कि जो ये पाइप का अगर ये टोटल नापोगे ऊपर से नीचे ऐसे, तो इसकी कुछ दूसरी मोटाई आएगी, लेकिन जितना आपको ब्लैक दिख रहा है अंदर में, ये होल वाला अंदर वाला जगह, इसका थोड़ा अलग आएगा, कुछ mm का अंतर आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो इसकी बाहरी परत है ना, इसकी भी कुछ अपनी मोटाई है, तो इस मोटाई की वजह से क्या होगा, उसकी आंतरिक और बाहरी दोनों सीमाएं अलग अलग होंगी, वो मैं आपको डिटेल में अभी बताता हूँ। इधर साइड में देखिए, अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ आपको एक दूसरे एग्जांपल से, इधर साइड में देखो एक बोतल है, ये भी एक पाइप मान लो आप, इसमें देखो इसका मुंह है ना, ये
अगर हम ऐसे इसको नापें जैसे ऊपर से देख रहा है, जहां मेरा हाथ चल रहा है, तो इसकी मोटाई कुछ और होगी, लेकिन ये जहां से पानी गिरता है इसके अंदर अंदर का अगर आप नापोगे तो मोटाई कुछ अलग होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भाई ये जो बना हुआ बॉटल किसी चीज से, ये तो थर्मो स्टील होता है जिसमें कॉपर और स्टील दोनों मिला के बनता है, कुछ भी है, ये एक धातु है, तो उसकी भी अपनी एक मोटाई है। मान लो ये 0.5 mm ही क्यों ना है, तो टोटल अगर एग्जाम्पल के लिए मान लो ये 3 mm नीचे बीच में है अगर, हाँ वैसे तो ज्यादा है फिलहाल, 2 cm होगा मान लो कम से कम, तो आधा mm कम से कम ये इसका परत है बाहरी, समझ में आया ना? तो बस वही अंतर इसमें बीच में दिया गया है पाइप में, इसे आप समझ गए। तो इसे मैं आपको थोड़ा फिगर में समझा देता हूँ। देखिए अब इसमें आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, अलग अलग दिख रहा है ना, समझिए इसमें, समझने की कोशिश करिए। देखो बच्चा लोग ये क्या है, कह रहा है इसका आंतरिक व्यास 4 cm है और बाहरी व्यास 4.4 है। तो आंतरिक व्यास का मतलब ये है बाबू आपका ये कितना है, 4 है। इसे मैं बाहरी यहाँ दूर से दिखा देता हूँ खींच के, ठीक है, ये 4 है। और बाहरी व्यास का मतलब जो बड़ा वाला, यानी अगर हम बात करें ये यहाँ तक पूरा पूरा भाई, पूरा पूरा ठीक है, और ये इतना ले लो इसे, चलो छोटा सा अंतर समझने के लिए। हाँ नहीं तो काम करो, ऊपर आप बाहरी व्यास ले लो, ये 4.4 है, नीचे मैं आपको आंतरिक दिखा देता हूँ क्योंकि एक ही में चल नहीं पा रहा है ये। चलो ऊपर बाहरी व्यास हो गया, ये आंतरिक व्यास सिर्फ इतना अंदर वाली पाइप में ही, ये 4 cm है, ठीक है, बात पक्की, समझ में आया ना? आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास का मतलब समझे। तो त्रिज्या भी आप निकाल लोगे भाई, सिंपल है। आंतरिक त्रिज्या की अगर बात करें यहाँ पर, तो इसे मैं मिटा देता हूँ, समझाने के लिए लिखा था, आप समझ गए होंगे, आंतरिक त्रिज्या यहीं से होगी, तो ये 4 था तो ये 2 cm होगी, क्योंकि हमें व्यास का कोई काम भी नहीं लगने वाला, सिर्फ त्रिज्या का ही मतलब है। हाँ ये बाहरी त्रिज्या कितनी होगी, जो टोटल लेगी कितना होगा भैया, ये 2.2 होगा ना बाबू, यहीं तक ना, ये कितना होगा 2.2, चूंकि हमें इसी का काम भी है, वास्तव में व्यास का कोई काम भी नहीं लगने वाला है। याद रहे जो बाहरी होगा उसमें ये भी पूरा कवर होगा, ये आंतरिक में सिर्फ यही अंदर तक ही रहेगा। और क्या कह रहा है, पाइप की जो लंबाई है 77 है, ये 77 है, अभी क्वेश्चन हटा दूंगा तो दिखेगा अच्छे से, ठीक है, ये टोटल कितना है 77 है। बहुत आसान है, सिंपल है, निकाल लो, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत ज्यादा कोई बड़ी कहानी नहीं है। लिखिए दिया है, क्वेश्चन हटाओ भाई, दिया है एच इक्वल, भाई जो जो दिया लिख लो बाबू फटाफट, हाइट 77, इसमें 2 radii दी गई है, अगर ध्यान दो, एक कैपिटल आर मान लो, एक स्मॉल आर मान लो, हाँ तो अगर हम स्मॉल आर आंतरिक वाला मान लें तो 2 cm है, कैपिटल आर बाह्य वाला मान लें तो 2.2 cm है। और क्या दिया है इसमें, कुछ और दिया है का नहीं ना, मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि इसी का काम लगेगा, बाकी आप चाहो तो डी लिखो, स्मॉल डी कैपिटल डी तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमें काम तो आर का लगने वाला है। तो पूछा क्या है, कह रहा था कि इस पाइप का कुल टोटल क्षेत्रफल ऐसे कुछ पूछा है। देखो पहला इसमें 2 पार्ट है, पहला आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आंतरिक का मतलब पहले पाइप के सिर्फ अंदर वाला, जिसमें आपको 2 cm का ये रेडियस दिया है, पहले ये निकालोगे सिर्फ ये ठीक है, ये जो मैंने लाइन खींचा ना बाबू, आइए समझ रहे हो कि नहीं, पहले अंदर वाला निकालोगे फिर बाहरी वाला फिर दोनों जोड़ दोगे। तो लिख लो फटाफट, लिखो आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, या फिर इंग्लिश में लिखोगे इनर कर्व सरफेस एरिया इक्वल, इनर कर्व सरफेस एरिया इक्वल, शॉर्टकट में इसे ICSA लिखेंगे, ठीक है, इनर कर्व सरफेस एरिया इक्वल, फार्मूला लगा दो 2πRH, 2 × π का मान 22/7, R का मान इनर वाले का 2 है, H का मान 77 है, काट दोगे 11 आ जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, मल्टीपल कर लो चाचा, कर लो ना, 4 हो जाएगा, 22 का गुणा करोगे 88 हो जाएगा, ये 968 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, नो डाउट, लिख लीजिए आपका पहला पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, चाहे तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट डाल दो। अब सेकेंड पार्ट पे आगे बढ़ते हैं, वाय के लिए अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ रेडियस का अंतर है बस, आंतरिक वाले का 2 cm है, बाह्य वाले का 2.2 है, इतना अंतर है बस।
जल्दी इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सेकंड पार्ट बताता हूँ, बहुत जल्दी करो। हो गया डन। चलो भाई सेकंड पार्ट, सेकंड में लिखिए बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, या फिर लिखिए आउटर कर्व सरफेस एरिया इक्वल, आउटर कर्व सरफेस एरिया इक्वल ओ सी एस ए इक्वल, इसमें भी आपका फार्मूला वही रहेगा, बस आर कैपिटल में हो जाएगा। तो 2 × 22/7 आर का मान 2.2 हो जाएगा और ये 77, ये आपका कट जाएगा, 11 आएगा। देखो बाबू ये सब ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, मल्टीपल कर लोगे 22 × 44 और ये 11 का गुणा करोगे 11 × 22, 11 × 22 = 24, 1 digit पे पॉइंट लगेगा ना, एनी डाउट? नहीं ना, 1064 लगभग आएगा, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका हो गया आउटर बाहरी, यानी ये टोटल जो मोटा वाला भाग था, ठीक है। इसमें थर्ड पार्ट भी पूछ रहा है, बहुत आसान है ये, कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है टोटल फाइनल, तो दोनों जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों जोड़ेंगे। इसके साथ इसमें एक चीज और करेंगे, वो क्या, दो रिंग का भी क्षेत्रफल जोड़ेंगे, यानी एक प्रकार से बात करें तो दो वृत्त का भी क्षेत्रफल आप जोड़ोगे, क्योंकि इसमें देखो एक छोटा अंदर वाले का एक वृत्त बन रहा है, एक बाहर वाले का, अगर कुल फाइनल निकालोगे तो उसको भी जोड़ा जाएगा। तो लिखिए तीसरे में लिखिए टोटल, टोटल कर्व सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया लिख लो TSA, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, हिंदी में लिखिए पाइप के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, या फिर पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, नीचे लिखो। देखिए छात्रों इसमें आपको थोड़ा सा समझना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो रिंग का क्षेत्रफल, ठीक है, जो ऊपर साइड बन रही है उनको समझो थोड़ा सा, रिंग का मैटर क्या है। देखिए वास्तव में ऊपर ऐसे दो आकृति बन रही है, बोलो बन रही कि नहीं, जहां से ये पाइप शुरू होती है, ये इसका एक आंतरिक भाग हो गया, ये इसका एक बाहरी भाग हो गया, बोलो कोई पाइप है, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था उसमें ऐसा दो चीज दिखता है ना, ये पाइप की मोटाई हो गई, ये क्या है, पाइप की मोटाई है। अब मैं आपको जो पाइप दिखाया बहुत पतली थी इसलिए आपको नहीं समझ में आया, लेकिन ये क्या है, पाइप की मोटाई है, समझ पा रहे हो ना। तो देखो बाबू आप समझो, इसमें जो हम निकालने जा रहे हैं, अगर वृत्त का क्षेत्रफल वाला आप सूत्र जानते होगे तो पाई आर स्क्वायर ऐसा कुछ सुने हो, अर्धवृत्त वृत्त पढ़े हो ना, वृत्त भी पढ़े हो, तो ये क्या था, पाई आर स्क्वायर, ये आपको पता है। और इसमें चूंकि दो है भाई, दो रिंग है ना, एक अंदर वाली एक बाहर वाली, तो ये 2πr² हो जाएगा, 2 × π का मान 22/7। यहाँ पर मैटर है कि r क्या होगा, देखो वास्तव में भैया जो बाहर वाले ये लाइन आप देख रहे हो रिंग, ये बाहर वाली, इसका टोटल जो व्यास है वो 4.4 है, यानी इसका मान 2.2 था बाहरी वाले के लिए रेडियस ना, और अंदर वाले के लिए रेडियस 2 था। तो अगर हमें ये इतना निकालना हो, सिर्फ इतना मोटाई वाला भाग, इतना जहां मेरा पेन चल रहा है, इतना सिर्फ इतना, तो क्या करोगे पता है, 2.2 से आप ये 2 वाला घटाओगे, इसमें घटाओगे कैसे, एक चीज और भी ध्यान देना है, घटाना तो है लेकिन थोड़ा सा समझ के साथियों, चूंकि हमें यहाँ पर आर का स्क्वायर निकालना है ना, और जो भी मान है वो सभी स्क्वायर में ही होंगे इस हिसाब से, तो इन्हें हम ऐसा लिखेंगे 2.2 का होल स्क्वायर माइनस ये 2 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना, इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को इस तरह से कुछ घटाएंगे जुगाड़ से, तो ये बनेगा 2.2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, समझ गए ना। तो ये क्या बनेगा फाइनल में, इसको हटा दीजिए क्वेश्चन को स्क्रीन से, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। देखो बाबू ये आपका हो जाएगा 44/7 × ये a माइनस b, a प्लस b, सूत्र जानते हो ना, पढ़े हो, तो बेटा ये आपका a प्लस b में 4.2 हो जाएगा और a माइनस b में 0.2 हो जाएगा, समझ में आया ना, तो 0.84 हो जाएगा फाइनल में ये, तो 44 × 0.84/7, ये हल करना तो आप जानते हो, इतना तो आप समझदार हो, कक्षा 9 में पहुंचे हो, नहीं आता तो बता देना मुझे, इसका फाइनल में मल्टीपल कर लो आप, गुणा करोगे 36.96 आएगा, कितना आएगा 36.96 आएगा, अपान 7 इक्वल 5.28 आएगा,
कितना आएगा बाबू? 5.28। करके देख लो, गुणा करके बताना, ठीक है? अब टोटल सरफेस एरिया जो है उसको निकाल लोगे, सारा मान रख लो फटाफट। चलो आओ, ये कितना आया था? 968 आया था भाई, ऐसे कुछ आया था ना? ये आया था कितना? 1064.84। 80 आया था, 4 नहीं, ये आया था ना? और ये कितना आया था टूरिंग वाला? अभी अभी आया है 5.28, है ना? अब क्या करोगे? कर लो फटाफट जो भी करना है, अब दिक्कत क्या है भाई, कर डालो जल्दी से। देखो अब करना क्या है, सुनो, इन सबको जोड़ लेना है। इन सबको आप जोड़ोगे तो 2038 समथिंग आएगा। जोड़ के देखो, 2038.08 ऐसे कुछ आएगा, करके देख लो, ठीक है? सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये ध्यान रहे ये जीरो है और ये दशमलव है। कोई डाउट है तो बताओ। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। एनी डाउट? नहीं, बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कहता है बच्चों, बहुत ही प्यार से देखना है। कह रहा है कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको इंग्लिश में सुन लीजिए, जो यूपी बोर्ड के अलावा बच्चे हैं सीबीएसई दिल्ली बोर्ड वाले। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू अ लेवल ऑफ प्लेग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल था। रोल ओवर, ये क्या है देखे हो कि नहीं? दिखा देता हूँ, आजकल तो बुलडोजर बड़ा फेवरेट है, कुछ ऐसे होता है। देखिए इसकी शक्ल देख लीजिए, यही क्या है, वो रोलर है जिसके बारे में बात हो रही है। ये क्या कर रहा है? एक खेल के मैदान को समतल कर रहा है, ठीक है? ध्यान दीजिए, इसके पहिया वहिया कितने मोटे मोटे हैं, कितने बड़े बड़े खतरनाक हैं, दिख रहा है ना आपको? बहुत मोटे मोटे खतरनाक पहिया हैं इसके। तो ये क्या करते हैं, उबड़ खाबड़ जमीन को समतल करते हैं, जिधर से जाते हैं एकदम चपाचट करते चले जाते हैं। तो इनकी कहानी क्या है, एक बार अगर क्वेश्चन आप दोबारा से पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4 नंबर ना, देख लो। कह रहा कि इसका जो व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाता है तो होता है, ठीक है? बहुत सिंपल है, लिख लो, लिखो भाई फटाफट लिखो। आप लोग क्या लिखोगे, जो जो इसमें दिया है कुछ लिखो। रोलर बना दिया जाए क्या? ये क्वेश्चन जो पीछे साइड में है इसको मिटाइए, पहले बना हुआ है। इस वाले क्वेश्चन का मैंने फिगर बना दिया। देखिए रोलर की जो बात हो रही थी, जो मैंने अभी दिखाया था, उसमें सिर्फ पहिए से मतलब है, ठीक है? ओनली पहिए से मतलब है, आपको पहिए के अलावा और किसी चीज से मतलब उसमें नहीं है। तो जब आप सड़क इससे समतल करेंगे तो सिर्फ पहिया ही तो चलेगा जमीन, मतलब जो समतल करेगा ना, उसकी गाड़ी का ऊपर क्या बनावट है, कैसा आदमी बैठा है, कैसा कपड़ा पहना है, इससे कोई मतलब नहीं। जो नीचे पहिया चलेगा वही, उसी से मतलब है। तो मैंने इस पहिए को यहाँ पे बना दिया है, आप इसे देख पा रहे हो ना? इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको क्लियर है? जो जो दिया है लिख लीजिए, लिखिए दिया है, यहाँ पे लिखिए गिवन, या इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन, हिंदी वाले लिखेंगे दिया है। देखो बाबू, इसमें कह रहा है कि इसकी हाइट सबसे पहले 120 है, 120 मीटर है। इसका जो व्यास है यानी डी जो है वो 84 सेंटीमीटर में दिया है। यहाँ से आप आर बोल सकते हो सिंपल में, इसका आधा हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो जाएगा। इसको चुप्पे से लिख लो ब्रेकेट में, क्योंकि ये डी का आधा होता है। और भी कुछ दिया है? मुझे नहीं लगता और कुछ इसमें काम का दिया है, नहीं ना? तो कह रहा है कि मैदान का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है इसे खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम जो ये दिया है ना, इसके माध्यम से इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और जितना आ जाएगा उसी हिसाब से फिर आगे होगा, ठीक है? तो लिखिए रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या सी एस ए ऑफ रोलर, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया,
ये आप सबको पता है, बहुत बचपन से पढ़ते आए हो, 2πrh। तो 2 into π, पाई की वैल्यू 22/7 into r का वैल्यू बेटा 542 एंड h 120 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दोगे कुछ क्या, जितने भी मान रखे गए हैं वो सारे सेंटीमीटर में ही रखे गए हैं और 120 सेंटीमीटर में दिया गया है ये भी, जो h दिया है ये भी सेंटीमीटर में ही है। हल कर लीजिए, 7×42। आप कुछ कटना है नहीं, गुणा करना है, 22×44 ये 12×72 यानी 720 आ जाएगा बेटा। तो ये 44 को आपको 720 से क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करोगे मुझे लग रहा है कि 1584 कितना आएगा भाई, करके देखो, 31680 आएगा ना लगभग। मल्टीपल करना आपको आता है, नहीं आता तो बता देना। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बेटा, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में दिए गए थे जितनी राशियां थी। ये क्या आया, अभी इस पहिए का रोलर का CSA कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया। अब क्या करेंगे, ये एक बार इस पहिए द्वारा एक बार जो चक्कर लगाएगा तो इतना एरिया वो करेगा कवर, ठीक है। तो ये 500 बार चक्कर लगाता है तो पूरा मैदान समतल हो जाता है। तो चाचा अगर एक बार में 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर कर रहा है तो 500 बार में निकाल लो, पहले नीचे लिखो, 500 चक्कर लगाने में कवर क्षेत्रफल बराबर 500 चक्कर लगाने में कवर क्षेत्रफल बराबर, लिख लीजिए, मैं लिखूंगा नहीं, 500 चक्कर लगाने में कवर क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे भैया, हो 500 से इसको गुणा कर दोगे बाबू, तो 500 से 31680 को गुणा करोगे। अब इसमें 3 जीरो आप उतार लीजिए, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं ये स्क्रीन से हटा के आपको दिखा दूंगा, जो आपको दिखना चाहिए वो दिखेगा। 3 जीरो उतार लिया, 5 से गुणा कर दो, 5×48 हासिल 4, 5×30 = 34 हासिल 3, 5×1 = 8 और 5×3 = 15। 1584 साथ में 4 जीरो मुफ्त में आ गया। ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी वो 500 चक्कर लगा रहा रोलर तो कुल इतना एरिया को क्या कर रहा है, समतल कर रहा है। लेकिन ये सेंटीमीटर में है, जो क्वेश्चन में कह रहा है वो मीटर में मैदान का एरिया पूछा है, इसे गिन लो क्या है, इकाई, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,58,40,000, 1,58,40,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर वो कवर कर रहा है। इसे क्या करना, मीटर में बदलना है, लिख लो चाहे, चूंकि हमें मीटर में ज्ञात करना है इसलिए लिखो यहाँ पे, चाहे लिख लो, मैदान का कुल क्षेत्रफल मीटर में बराबर, मैदान का कुल क्षेत्रफल मीटर में बराबर, ये 1584 4×0 आप लिख करके क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे ना, नहीं देखो बाबू, अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है तो हमेशा भाग करते हैं, चूंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है इसलिए हम इसे अकेले 100 से भाग नहीं करेंगे, 100 का स्क्वायर से भाग करेंगे, क्योंकि राशि जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ऑलरेडी दी गई है। अगर सिर्फ सेंटीमीटर में होती तो हम 100 से भाग करते, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसका आंसर आ गया 1584 मीटर का स्क्वायर आंसर आया, क्योंकि ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, है ना कितना आसान। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 डन हो गया। जल्दी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी करिए। नेक्स्ट, चलो भाई, खिसक चलो, कमेंट के चक्कर में ना पड़ो। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है, 12.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का वेग ज्ञात कीजिए। जैसे आप तक पढ़ाए हूँ वैसे ये भी ये सिंपल में कर लेना, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। 6ठा नंबर देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहता है ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 44 मीटर है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए, सुनिए इंग्लिश में, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, फाइंड द हाइट। ओके, इसको ज्ञात करना है, ठीक है, इसको ज्ञात करने के पहले आप ध्यान दीजिए, 25 जून से
आपकी 9th और 10th की सारी क्लासें पीवीआर स्टडी के चैनल नंबर 3 पर चलेंगी, जिसका लोगो और नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये नाम अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। याद रहे 25 जून 2022 से 9th और 10th की सारी क्लास इसी चैनल पे चलेगी, तो आप इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत कर लीजिए जा करके। अगर कोई समस्या आती तो नंबर है उस पर संपर्क करिएगा। छठवें का सलूशन देखिए आगे। चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। बच्चों देखिए, इंग्लिश में पढ़ते समय क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आ गया था, उसके लिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहिएगा। क्वेश्चन नंबर छठवां हम लोग हल करते हैं। हिंदी वाले समझ ही गए थे, इंग्लिश वाले भी समझ गए। तो देखो बेटा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बेलन की बात कर रहा है, यानी सिलेंडर ये मैंने बना दिया। कह रहा था इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 44 मीटर है, तो मतलब इसमें सी एस ए दिया है, कर्व सरफेस एरिया दिया है, एंड आधार की त्रिज्या मीन्स इसका रेडियस भी दिया है। बाबू इतना दिया है, कितना है ये? 0.7 मीटर। समझ रहे हो ना? फाइंड द हाइट, यानी इसकी हमें ये चीज ज्ञात करना है, मीन्स हाइट हमें फाइंड करना है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, मीन्स जो दिया गया है। हिंदी में लिखेंगे दिया है, इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन। ओके, तो लिख लो बबुआ यहां पर दिया है। क्या क्या दिया इसमें लिखो? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये दिया है लिखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम शॉर्टकट में लिख देंगे सी एस ए। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 44 मीटर। रेडियस दिया है, हिंदी वाले लिख लेंगे त्रिज्या और इंग्लिश वाले लिख लेंगे रेडियस। ओके, ये दिया है भैया 0.7 मीटर। यच हमें फाइंड करना है, बहुत ही आसान है। लिखिए, वास्तव में जो सी एस ए होता है वो क्या होता है? यहाँ पे नीचे हल सोल्यूशन लिख के लिख लेंगे। वास्तव में जो कर्व सरफेस एरिया होता है, यानी सी एस ए सिलेंडर का, वो 2πRH होता है, ये सबको पता है। तो देखो भैया, इसमें आसान बात ये है कि हमें ये इतना दिया है 44, और 2 × π का मान 22/7, r का मान 0.7 × h का मान हमें दिया है नहीं। बात पक्की? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। 7 से आप इसे काटोगे 0.1 आएगा, 2 का 1 में गुणा करोगे 2 ही हो जाएगा, कुल मिलाकर के ये 44 बनेगा ना। हाँ, तो बाबू देखो भैया समझो, ये आपका 44 हो जाएगा, और इसमें एक अंक पर दशमलव है, तो क्या ये दशमलव में आ जाएगा क्या? जरा सोच के बताओ मुझे तो। आएगा ना। एक चीज और देखो, इसका जो सी एस ए दिया है वो क्या दिया? मीटर में दिया है, वो भी मीटर में दिया है ना, त्रिज्या दोनों मीटर में है, वो तो सब दिया है। बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए, आपके बुक में बाबू ये 44 नहीं दिया होगा, 4.4 मीटर दिया होगा ये चीज। ये देखो ध्यान से, 4.4 दिया होगा। ये क्वेश्चन टाइपिंग में इन्होंने, हमारे टाइपिंग मास्टर ने मिस्टेक किया है, तो ये भैया 4.4 है बाबू। ठीक है, ये 4.4 है, यहाँ पर पॉइंट है याद रखना बीच में। ओके, इसका मल्टीपल करोगे तो 44, और 44 का 0.1 में मल्टीपल करोगे इंटू एच, भाई वन डिजिट पे पॉइंट हो जाएगा। ये 44 इसके जैसे लिख लो, एक जैसे अच्छा रहेगा, नहीं तो अलग अलग तरीका कन्फ्यूजन आएगा। तो 4.4 इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये 4.4 ये भी हो जाएगा, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, 4.4 इक्वल एच। भाई ये आप डिवाइड हो जाएंगे, इक्वल है, 1 इक्वल एच, आप कह सकते हो एच इक्वल 1 है ना, 1 कितना मीटर, यानी हाइट कितना आ गई 1 मीटर। हो गया, ये भी क्वेश्चन डन हो गया, छठा खत्म हो गया। स्क्रीन शॉट लीजिए जल्दी से। चलिए अगले 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10 और 11 दो क्वेश्चन और होगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मैं आपको दिखाऊंगा। हिंदी में आपको दिख रहा है पढ़ लीजिए, इंग्लिश में मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। हिंदी वाला आप पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैंप सेट, मतलब दिए गए चित्र में आप एक लैंप सेट देख रहे हैं। इट इज टू बी कवर्ड विथ अ डेकोरेटिव क्लॉथ, मतलब एक सजावटी कपड़े से कवर किया जाना है। ठीक है, कह रहा था फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप सेट।
मतलब समझो कुल मिला के कह क्या रहा है। हिंदी में तो आप पढ़ ही रहे हो। ये देखो एक लैंप सेट है, ऐसे कुछ है, कह रहा इसे एक कपड़े से ढकना है। ठीक है, मान लो मैंने एक कपड़ा लिया और इस कपड़े से क्या किया, इसको कवर किया। लेकिन ये मत सोचो कि इसको ऊपर से ऐसे बढ़ा देना है, नहीं, इसको ऊपर से नहीं बढ़ाना, इसको ऐसे ढकना है, ऐसे। ये देख रहे हो व्हाइट कपड़ा भी है, व्हाइट ये भी, इसलिए आपको थोड़ा कम मजा आ रही होगी। एक मिनट रुको, मैं कुछ दूसरा दिखाता हूँ। देखो ये अब थोड़ा अंतर आपको समझ में आएगा, ये व्हाइट है, ये अलग है। इसको क्या करना है, इसे ढकना है बाबू, समझो। यहाँ पे तो ऐसे क्या करेंगे, इसको ढकेंगे। तो ये देखो ढक तो गया चारों तरफ से, लेकिन ऊपर साइड अभी खुला है, और इसी तरह से नीचे भी खुला होगा। वैसे कपड़ा काफी बड़ा है इसलिए नीचे नहीं खुला, लेकिन नीचे भी इस तरह से ही खुला है, मतलब बगल बगल ही ढका है। तो क्या करना है, हमें नीचे भी ढक देना है, किधर, नीचे साइड का और ऊपर का भी। तो कह रहा है इसको ढकने के लिए ढाई ढाई सेंटीमीटर का अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। फिर लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कितना कपड़ा लगेगा, इसमें दिया है कि आधार का जो फ्रेम है 20 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 30 सेंटीमीटर है। आधार का फ्रेम मतलब ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है और ये जो है वो 30 सेंटीमीटर है। देखो बहुत ही सिंपल है बाबू, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कहने की पढ़ने की कोई बात नहीं है। हाँ पढ़ लोगे ना, देखो सुनो, फिर बहुत ही सिंपल है, देखो करना क्या है, समझो। लिखिए दिया है, फटाफट लिखो दिया है, गिवन, जो जो दिया है यहां पे लिख लीजिए, दिया है। देखो डी दिया है बाबू 20 सेंटीमीटर, यहां से हम कह सकते हैं कि आर 10 सेंटीमीटर दिया है, इसमें कुछ करना है नहीं भाई, डी का आधा हो जाएगा। हाइट दी गई है आपको, क्या दिया है भैया, हाइट दिया गया 30 सेंटीमीटर, लेकिन ये हाइट रियल वाली नहीं है, वास्तव में रियल वाली काहे को नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन मैं हटा रहा हूँ, ध्यान देना। देखो बाबू यहाँ पे समझो, ये लैंप कुछ इस तरह से है, जो मैं अभी दिखाया था कुछ वैसे वो भी था, ऐसे है ना, समझना। तो ये तो आपका क्या है, 30 है, ये आपका 30 है ना, लेकिन कह रहा था क्वेश्चन में कि ढाई ढाई सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा जाना है। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, सुन लेना, वो ढाई सेंटीमीटर यहाँ है कहीं, इधर साइड, इधर साइड, जो इसको ढकेगा, इधर भी ढाई सेंटीमीटर, तभी तो पूरा ढकेगा, नहीं तो ये बगल बगल ढक जाएगा, इधर ही ढकेगा ही नहीं, जैसे अभी मैं दिखाया था ऊपर से नहीं ढक रहा था। तो इस तरह से जब टोटल हाइट निकालोगे बबुआ, तो ये 35 हो जाएगी, याद रखना, क्योंकि ढाई इधर बढ़ रहा, ढाई इधर बढ़ रहा, पांच बढ़ जाएगा ना, तो टोटल रियल में जो हाइट होगी वो क्या होगी, हाइट क्या होगी टोटल रियल में, ये 30+5 सेंटीमीटर। इसे डिटेल में लिख लो, समझ में आएगा, जिससे कि इक्वल 35 सेंटीमीटर, ये रियल में हाइट है। ठीक है, बात पक्की, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, नहीं ना। अब क्या करना है, हाँ इसमें एक चीज आप लिख सकते हो सिंपल में, यम मतलब मार्जिन 2.5 सेंटीमीटर। जो हिंदी वाले हैं, हिंदी वाले भी HIJM ही लिखते हैं, वो लोग हिंदी में इसको नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो इसको इंग्लिश में ना, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ, एक बार फिर से सुन लो। कह रहा नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर ढाई सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। देख लो, पढ़ लो, मोड़ने के लिए अतिरिक्त कपड़ा का मतलब मार्जिन, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ओके, बात पक्की। तो टोटल निकालने के लिए क्या करोगे, देखो बाबू बहुत आसान है, टोटल अगर हमें निकालना है तो हमें सिलेंडर आकार वाला जो है उसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए CSA, और नीचे जो ये आपको दिख रहा है और ये ऊपर, इसका निकाल लेंगे। लेकिन लेकिन क्या, लेकिन कुछ नहीं, चलो निकालो फटाफट, लिखो एक बार में लगा दो, बस हो जाएगा सिलेंडर वाला ही, CSA, या फिर हिंदी में लिख लो पृष्ठीय क्षेत्रफल, लैंप सेट का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, चलो लगाओ लगाओ लगाओ, हो गया, लिखो क्या होगा, 2πRH, हाँ 2πRH रख दीजिए, मान रख दीजिए 2 और पाई का मान 22/7, ये लो R, R का मान कितना है, रेडियस 10, H का मान 35, 7×5=35, ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 50, गुणा कर लो बाबू, 5×20, 5×20 2×22 सेंटीमीटर, क्या स्क्वायर ना,
क्यों भाई स्क्वायर तो आएगा क्योंकि ये क्षेत्रफल था कर्व सरफेस एरिया, यानी 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर का कपड़ा लगेगा उस लैंप सेट को ढकने के लिए। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, फटाफट जल्दी करिए, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन पे बढ़े आगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, उसके पहले ये इंफॉर्मेशन बहुत ध्यान से देखिए। 25 जून 2022 से सभी बोर्ड परीक्षाओं की जो क्लासें हैं 9, 10, 11, 12 वो PVR स्टडी 3.0 चैनल पर चलेंगी। आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये नाम है चैनल 3.0 स्कूल, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई होगी, यूट्यूब पे सर्च करके भी आज ही सब्सक्राइब कर लेना, जिससे 25 तारीख से आपको PVR स्टडी इलाहाबाद पर क्लास ना मिले तो ये ना कहो कि नहीं चल रही, बंद हो गई, ठीक है। अब देखिए ये स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको है ये देखना है, क्या ये आया, ये देखना है, ये क्या है आप कहोगे, बस इसी का काम है क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा, यही वो चीज है जिसके बारे में 11 में बात कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ो और सुनो और समझो। तेरा किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलम दानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। मतलब किसी विद्यालय के विद्यार्थी जो है उनमें एक आधार वाले बेलनाकार कलम दान का मतलब वही जो पेन रखने वाला है, समझ रहे हो, कलम दान का मतलब यही जो पेन रखने वाला आपको दिख रहा है, इसी को बनाने के लिए प्रतियोगिता में कह रहा है भाग लेने के लिए कहा गया है। कलम दान मतलब इसे इंग्लिश में कार्डबोर्ड बोलते हैं, हाँ कार्डबोर्ड ही बोलते हैं ना इंग्लिश में, ठीक है। तो चलो आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी इसकी जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर और हाइट 10.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए था, विद्यालय को इसके प्रतियोगियों को गत्ता देना था, यदि इसमें कुल 35 प्रतियोगी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा, बताओ भाई, सिंपल है, लिख लो जो जो दिया है, पहले फटाफट लिखो, लिखो दिया है, देखो बच्चों इसमें ज्यादा कुछ तो दिया नहीं है, एरिया दिया है मीन्स रेडियस दिया है, और का दिया है, हाइट दिया है, दो चीज मैंने लिख लिया, लाइट थोड़ा ज्यादा बंद करो एक। अब इसमें आपको समझना है कि करना क्या है, देखो सिंपल है, सिंपल का है, कह रहा है कि कलम दान को बनाना है, एक बार ध्यान से फिर से देख लेना, मैं आपको बता दे रहा हूं, देखो दिख रहा है ना, कलम दान का मतलब साथियों मेरे पास में यहाँ पर कुछ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको, देखिए बिल्कुल मैं वही ले आया जो आपको चाहिए था, है ना। इसमें क्या करना है बच्चों, ऐसे ऐसे पेन रखना है, वैसे तो इसमें वो पानी पिया है आनंद, इसलिए मैं इसमें पेन नहीं डालूंगा फिलहाल, लेकिन आप समझ लो ऐसे क्या करना है, इसको बनाना है, इसमें पेन रखनी है, ओके, मैं पेन पकड़ा हूं, इसमें टच नहीं कराया हूं, ये झूठा है। तो अब करना क्या है, सुनो करना क्या है, इसको बनाना है, तो नीचे बनेगा गत्ता लगेगा, बगल बगल लगेगा, ऊपर तो नहीं लगेगा ना, इसमें ढांकने वाली बात नहीं हो रही कि कलम रख के ढक्कन बंद करना है ना। तो हमें क्या करना है, जो बेलनाकार भाग है इसका एरिया फाइंड करना है, और जो नीचे आधार है उसमें भी गत्ता लगेगा उसका भी फाइंड करना है। तो नीचे क्या है, ये आधार वृत्ताकार है, गोला गोला है कि नहीं, बोलो गोलाकार है कि अर्धगोला है, कैसे बताओ मुझे जल्दी से, नीचे गोलाकार ही था ना, गत्ता लगेगा तो गत्ता गोला के आकार में थोड़ी लगेगा, गत्ता लगेगा तो सीधा फीधा नीचे लगेगा ना, सीधा फीधा लग गया ढक गया भाई, ये गत्ता फीधा फीधा ऊपर लग गया ढक गया, तो वृत्ताकार ही लगेगा ना, एक प्रकार से वृत्त मानेंगे ना, तो आप लगाओगे इसमें बेलन वाला जो सूत्र होता है वो लगाओगे और एक वृत्त का क्षेत्रफल का लगा दोगे, बस हो गया फाइनल। लिखो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, या फिर हिंदी में लिख लीजिए कलम दान का कुल क्षेत्रफल बराबर, कलम दान का कुल क्षेत्रफल बराबर, इंग्लिश वाले लिखेंगे एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इक्वल एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बॉटम, या फिर ब्रैकेट में लिख लेना एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, समझ रहे हो ना। हिंदी वाले लिखेंगे कलमदान का क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस कलमदान के निचले भाग का क्षेत्रफल, ब्रैकेट में लिखना, लिख लेना वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, लिख लिए, चलो मान रख दो फटाफट। देखो बच्चों बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल यानी बेलन का मीन सिलेंडर का जो आप निकालोगे तो एक प्रकार से सी एस ए बोल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2πRH ऑफ सिलेंडर और ये πR² सर्कल वाला हो जाएगा नीचे वाला, सारे मान पुट कर दीजिए 2 into π, π का मान 22/7
आर यानी रेडियस 3 और हाइट, हाइट कितना दिया था 10.5 ना, रख दो प्लस 22/7 × 3 का स्क्वायर। ओके हल कर लीजिए, 7 से इसे काट देंगे तो 7 × 7 1.5 आएगा। बोलो क्लियर, इनका गुणा करोगे 22 × 2 = 44, 44 का 3 से गुणा करोगे तो 3 × 12 3 × 12 = 13 सही जा रहा है ना, 132 ना, इंटू 1.5 और प्लस ये आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्यों भाई, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 का इसमें गुणा करोगे 198 आएगा, 198/7 इनका गुणा कर लो 198 ये भी आएगा लगभग, करके देखो 15 × 2 = 30 करके दिखा देता हूँ, देख लो 15 × 2 = 30 का 0 हासिल आया 3, 15 × 3 = 45 = 48 हासिल 4, 15 × 15 = 19 एक अंक पर पॉइंट था बेटा, एक अंक पर पॉइंट लग गया और प्लस ये आपका 198/7। कमेंट के चक्कर में ना पढ़ो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ लेकिन तुम शांत रहो, तब क्लास के बाद में पूछना सब बताऊंगा। चलो डन, अब क्या करोगे क्रॉस मल्टीपल कर लो, नीचे 7 है बराबर बराबर है, ऊपर का देखो बराबर लग रहा है, नीचे बराबर नहीं है, हर बराबर कर लो, इतना तो हल कर लोगे ना कि नहीं, करके देखो 1584 आएगा। भाई भिन्न हल करना जानते हो ना, इसको हटा दो दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं, अब तो जोड़ लोगे ना 1584/7 आएगा फाइनल में, इसको हम जोड़ के यहाँ लिख सकते हैं 1584/7 ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गया क्या एक कलमदान का टोटल एरिया आ गया, यानी एक कलमदान के लिए 1587/7 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता देना पड़ता, लेकिन वहां पर बात हो रही थी प्रतियोगी कितने थे, भैया एक एक ठोर एक एक लेंगे ना, प्रतियोगियों की संख्या में लगता ज्यादा थी, 35-35 थी, फिर से देख लो 35 प्रतियोगी थे, 35 कंपटीटर थे ना इसमें, देख लो क्वेश्चन में है ना, तो क्या करेंगे ये एक का आ गया, अब लिख लो 35 के लिए, लिखो फटाफट लिखो, कहीं लिखो, चलो लिखो, इसको नोट कर लो फिर मैं मिटाऊं, स्क्रीन शॉट लो जल्दी, बहुत जल्दी करो फास्ट नोट कर लो, बस हो गया 35 कलमदानों के लिए आवश्यक गत्ता 35 से इसको मल्टीपल कर दोगे, इसको काट दो 5 आएगा, 5 से गुणा कर लो 5 × 20 5 × 8 = 40 2 = 42 5 × 25 25 × 4 = 29 5 × 5 = 2 = 7 ओके तो यहाँ लिख लो, ये आ गया क्या आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में, फाइनल आंसर हो गया, किसी को कोई डाउट बताओ, नहीं ना, इस तरह से आपका बच्चों 13.2 खत्म हुआ, हमने आपको 11 में से 8 क्वेश्चन करवा दिए, सिर्फ 3 क्वेश्चन होमवर्क दिया है, उनको कर लीजिएगा, नहीं आएगा कमेंट करिएगा, मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट के चक्कर में बिल्कुल परेशान ना रहे, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्लास खत्म होने के बाद आप नीचे कमेंट करोगे मैं सब बताऊंगा, लेकिन क्लास पहले खत्म हो जाने दो, पहले पढ़ाने दो, स्क्रीन शॉट ले लो, हो गया स्क्रीन शॉट, जल्दी करो फास्ट, वीडियो को रोक करके तुरंत स्क्रीन शॉट ले लिया करो, देर ना किया करो। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको फिर से याद दिला दूं, 25 तारीख से आपकी क्लास 9th और 10th की बेटा इस चैनल पे चलेंगी, इसे जा करके आज ही तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, देर मत करिए, जिससे कि आप आराम से पढ़ पाएं, फिर ये ना कहें कि क्लास काहे नहीं चल रही, ठीक है, इसे कर लीजिएगा जा करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर PVR Study 3.0 स्कूल सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा, 15,000 बच्चे जुड़े हैं 9th 10th के। आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.3 और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन एक नई एक्सरसाइज, क्लास को एंड तक देखिएगा और हाँ बीच में हम कपड़ा वगैरह बदल देंगे तो टेंशन मत लीजिएगा, बड़ी गर्मी लग रही है, बड़ा गंदा भी है, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन हम अलग कपड़ा में पढ़ाएं कुछ अलग में, तो ये मत सोचना ये तो काय अलग रंग बदल रहा है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब CSA आपको फाइंड करना है, ठीक है देखना मगर प्यार से, आइए इधर साइड में फिगर बनाते हैं, सबसे पहले एक शंकु बनाएंगे, शंकु बनाना आप लोगों को आता है अच्छे से पता है, ऐसे एक शंकु बना लो राजा जिसे इंग्लिश में कौन बोलते हैं, ठीक है, कह रहा कि इसकी जो त्रिज्या ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, और कुछ दिया है नहीं दिया है, CSA ऑफ कौन, यहाँ पर इसका सॉल्व लिखेंगे, हल लिखिए CSA ऑफ कौन, यानी जो कौन है मीन्स शंकु है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल
हिंदी मीडियम वाले लिख लें, पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ, सॉरी, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखो पाई आर एल, यही तो सूत्र होता है ना बबुआ, होता है ना। पाई का मान क्या रखोगे 22/7, आर का मान क्या रखोगे भाई, रेडियस जो है वो डायमीटर का आधा होता है हाफ, तो ब्यास 10.5 है तो जो रेडियस है 10.5 का आधा होगा, मतलब बटे दो, इंटू यल का मान 10 दिया है, ये कट जाएगा, काट दीजिए 7 × 7 और 7×5 = 35, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। 1.5 का 10 में मल्टीपल करोगे 15 हो जाएगा और 22 का गुणा करोगे 15 में, क्यों यही तो बनेगा 22, लेकिन कहाँ से आएगा भैया, हाँ एक मिनट रुको, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नीचे 2 लिखा था इसको भी लिख लो, नहीं तो एक मिनट रुक जाओ थोड़ा ऐसे और भी कर लो, 2 से काट दो इसको, ये 11 आ जाएगा, तो इसको 11 कर लो, काहे लाइन बढ़ाओगे, तो 15 × 15 = 16, 165 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब ही होगा स्क्वायर आएगा, क्षेत्रफल पूछा है ना, अगर ये वॉल्यूम होता आयतन होता तब आप इसे क्यूब में करते, सेंटीमीटर क्यूब, समझ में आया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, लिख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, देखिएगा मगर प्यार से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी ऐसे होगा, कह रहा है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 12 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान से देखिए, कह रहा है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या ऊंचाई दी गई है और आपको आधार का व्यास दिया गया है। देखो भैया सिंपल है ये भी बाबू, एकदम सिंपल है, लिखो पहले, लिखो दिया है, दिया है, क्या क्या दिया इसमें भैया, क्या क्या दिया बाबू इसमें, आपको सी एस ए फाइंड करना है, क्या करना है, सी एस ए फाइंड करना है, इसकी जो त्रिज्या ऊंचाई है वो 21 मीटर है, मीटर है कि सेंटीमीटर है, देखो प्यार से मगर प्यार से, मीटर है, आधार का व्यास 24 है, ये कितना है, ये 24 है, बस यही तो है, लगा दो फिर फटाफट, यहाँ पे लिखो दिया है, गिवन, गिवन लिखो हिंदी में, लिखो दिया है, देखो बाबू डी दिया है 24 मीटर, तो यहां से आर निकालोगे तो 12 मीटर आएगा, भाई सिंपल है, चाहे तो सूत्र लगा के निकालो, वैसे लिख दो आधा होता है, यल दिया है आपका 21, पक्का, एनी डाउट, नहीं और का दिया है, कुछ नहीं दिया है, लिख लो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, यानी टोटल सरफेस ऑफ एरिया TSA, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू आर प्लस यल, सूत्र तो पढ़ाया हूं आप लोगों को, पढ़े हो ना, मान रख दो सारे, 22/7, आर का मान रेडियस कितना होगा 12, ये 12 × 21, एनी डाउट, नहीं, 22/7 × 12 × 33, कटे पिटेगा तो काट पीट लो, नहीं कटेगा ना, 12 से इसका गुणा करो, 12 × 24 = 4, 12 × 24 = 26, ये गुणा 33/7, इनका गुणा करके आप भाग दे लो बाबू, ये 1244 समथिंग आएगा, कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, कक्षा 9 में पहुंचे हो, नहीं आता तो बेसिक मैथ ज्वाइन करो, ठीक है, 1244.50 समथिंग आएगा, लिख लो, दिख रहा ना आगे, अभी मैं क्वेश्चन हटा दूंगा, दिखने लगेगा तो परेशान नहीं होना, ठीक है, ये क्षेत्रफल आ रहा है ना तो मीटर स्क्वायर आएगा, अभी मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ, रुक जाओ क्वेश्चन हटा रहा हूँ, क्वेश्चन हटा दो भैया, हटा दो राजा, हटा दो, चलो देख लो, लिख लो फट से, चलो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा खत्म हुआ, किसी के मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है बोलो, नहीं ना, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करें फटाफट फटाफट, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े फिर, एनी डाउट किसी को, नहीं ना, चलो तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा ध्यान से देखिए मगर प्यार से देखिए, क्या कह रहा है,
ना कि एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी त्रिज्या ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए पहला आधार की त्रिज्या, दूसरा शंकु को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ के सुना दे रहा हूँ, सुन लीजिए। इंग्लिश में सुनिए, कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड फर्स्ट रेडियस ऑफ द बेस, मतलब आधार की त्रिज्या। सेकेंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। समझ गए? चलिए देखो बाबू, लिखो, समझो। पहले दिया है, लिखो दिया है हिंदी में, इंग्लिश में लिखो गिवन। क्या क्या दिया है, गिवन क्या है? सबसे पहले तो हमें इसमें यल दिया है, यानी स्लैंट हाइट दिया है, यल दिया है, ये 14 सेंटीमीटर दिया है, एंड सी एस ए दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया है। और कुछ दिया है? नहीं दिया है, ठीक है। फर्स्ट वाला फाइंड करिए, लिखिए, चूंकि जो फार्मूला होता, लिखो बाबू सी एस ए, थोड़ा फंस रहा है वीडियो क्या, लिखो जो सी एस ए, या हिंदी में लिख लो, चूंकि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल, ये होता है हिंदी में, चाहे लिख लो, चूंकि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। अब ये चीज दिया है, अब पाई का मान रख दो 22/7, आर का मान, आर कहीं दिया है क्या हमें? हाँ दिया है कहीं, देखो, नहीं दिया है, आर ही तो निकालना है, आधार की त्रिज्या ही तो निकालना है ना चाचा लोग। चलो निकाल लो, फटाफट निकाल लो, आर निकालो, आर को छोड़ करके बाकी सारे मान रख लो, सिर्फ आर का मान छोड़ देना है क्योंकि वही निकालना है। इंटू एल का मान 14, 7 से काट दो, 7 × 2 = 14, तो ये हो जाएगा आपको 308 बराबर 22 × 44 इंटू आर, सही जा रहा है ना। अब ये हो जाएगा 308, इधर आएगा 44 भाग में हो जाएगा इक्वल आर। इसको जब आप काटोगे बेटा, 44 से बंजा होता है 308, भाग दे के देख लेना, 7 बराबर आर आ जाएगा, या फिर इसे तुम आर बराबर 7 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही उत्तर हुआ, ठीक है। आर का मान कितना है, 7 आ गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, लिख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी करें, फास्ट करें, इसका अगला पार्ट पे बढ़ें, जल्दी करें। देखिए साथियों, सेकंड में पूछ रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया आप कौन पूछ रहा है, यानी जो ऊपर का ये पार्ट है इसका भी और प्लस बेस वाले का, हमें दोनों निकालना पड़ेगा। तो लिखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हम शॉर्टकट में लिख देंगे, टोटल सरफेस एरिया इक्वल सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है, समझ रहे हो। देखो मतलब ये है कि अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले पूरे शंकु का हम क्षेत्रफल निकालेंगे और नीचे आधार का भी लेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, तो इसको अलग से जोड़ोगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो कर लो फिर, इनको जोड़ देना है, कर लोगे कि नहीं भैया? आओ एक मिनट रुक के, काहे को वो लाइक कर रहा है यार ये। चलो तो सी एस ए बाबू आपको दिया है 308 पहले क्वेश्चन में ही, प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या करोगे बताओ भाई? चलो रखो फटाफट, रखो फटाफट। आप कहोगे एरिया ऑफ बेस क्या है, आधार में देखो आखिर है क्या, आधार में एक सर्कल तो है ना, नीचे एक वृत्त ही तो दिख रहा तुम्हें, क्या है बताओ? अगर ये थोड़ा सा गोला बना दूं ढंग से तो एक वृत्ताकार तो नीचे बन रहा है, हाँ वृत्ताकार बन रहा है ना नीचे, तो एक वृत्त बना, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया आया था, अभी अभी 7 आया था, निकाला था ना, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, 1 7 से 1 7 काट दो, अबे भाई 1 आएगा बबुआ, हाँ तो ये 308, ये धन 154 हो जाएगा। 154 कैसे हो जाएगा, क्योंकि 7 का गुणा करोगे 22 में, जोड़ दो फटाफट, हो जाएगा 462 सेंटीमीटर का स्क्वायर, समझ में आया? किसी को एनी डाउट? नहीं ना। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ,
जल्दी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी करें, फास्ट करें, देर ना करें, बहुत जल्दी करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि शंकु के आधार की एक गुंबज की त्रियक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। समझो पहले, शंकु के आधार की एक गुंबज की ऊंचाई, आपने सुना होगा मंदिर का गुंबज बहुत अच्छा बन रहा है। अगर आप यूपी से हैं तो आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसका गुंबज जो है बहुत विशाल का होगा। गुंबज का मतलब जो ऊपरी सिरा होता है, ऐसे गोला गोला होता, फिर उसमें झंडा लगता है, मंदिर में आपने देखा होगा ऊपर ना। तो वैसे शंकु के आधार की एक गुंबज की त्रियक ऊंचाई, वास्तव में जो शंकु का आधार होता बेस ना, उस पर गुंबज होता है। गुंबज का मतलब कैसे, देखो पहले तो इधर साइड में आप देख लीजिए क्वेश्चन, इसको मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा अभी, आप टेंशन मत लीजिएगा, बस थोड़ा सब्र रखिए। ये गोला गोला बन रहा है ना, ये इसी को एक प्रकार से गुंबज बोल रहा है। ये थोड़ा छोटा बड़ा लाइन है इसलिए ऐसा दिख रहा है, बाकी ठीक है। इंग्लिश में भी बताऊंगा अभी, थोड़ा सब्र बना के रखिए। कह रहा है त्रियक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः, पहले ऊंचाई है 25 है, आधार का व्यास मीन्स ये जो बीच में मैंने खींचा ये 14 मीटर है। अभी मैं क्वेश्चन हटा दूंगा तो ये क्लियर दिख जाएगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो टेंशन इसके लिए आपको नहीं लेना है। बात पक्की। अब सुनो आगे, कह रहा है इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। इसकी वक्र पृष्ठ का मतलब इसका जो ये साइड साइड वाला पार्ट है, जितने भी संपूर्ण पृष्ठ नहीं बोल रहा, टोटल सरफेस एरिया नहीं, ओनली सरफेस एरिया बोल रहा है, CSA कर्व सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कुल मिलाकर के, उस पर ये सफेदी मतलब पेंट एक प्रकार से कराने का खर्चा निकालना है। सिंपल है, लिख लो जो दिया है पहले, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। पहले क्वेश्चन का मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, मैंने कहा था ना इंग्लिश सुन लो, क्वेश्चन को इंग्लिश में सुनिए और ध्यान से सुनिए। कह रहा था स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टोम्प, कॉनिकल टोम्प, देखो बाबू जो मैं गुंबद बोल रहा था ना, ये टोम्प है, TOMP, ओके TOMP, ये मीन्स मैन, पी मीन्स पैरट, तो एक कॉनिकल टोम्प, ओके सुन लो फिर से क्वेश्चन, फिर से सुनिए स्टार्टिंग से। द स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट का मतलब होता त्रियक ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई, स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टोम्प आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता क्रमशः सीरियल वाइज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 210 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड। आइए गिवन हल करते हैं, लिखिए दिया है, हिंदी में लिखेंगे दिया है, इंग्लिश में लिखेंगे गिवन। तो बाबू यहाँ पर यल दिया है 25 मीटर एंड आर दिया है आपको 7 मीटर, कहोगे कहाँ दिया है चाचा, क्योंकि आपको डी दिया है, डी 14 दिया है, तो डी से आर निकाल सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कौन सी बुराई है, नहीं ना। रेट कितना दिया है, देखो रेट जो है 210 रुपए है पर 100 मीटर स्क्वायर, तो ये रेट है, जितना रुपए है वो जितनी दूरी के लिए पेंट का खर्चा है उसको उससे भाग देके रेट निकाल लेते हैं, ये भी दिया है। हमें क्या निकालना है, लागत निकालनी है, बहुत आसान है, सिंपल है, लिख लो कॉस्ट, या फिर ऐसे लिख लो, हिंदी मीडियम वाले ज्यादा डिटेल में लिखते हैं, मंदिर के गुंबद का सफेदी कराने का कुल खर्चा बराबर, उसके बाद आगे लिखना जो भी लिखूंगा, ठीक है। हम छोटा सा शॉर्टकट में लिखेंगे कॉस्ट यानी लागत इक्वल, देखो लागत इक्वल क्या होती है, CSA इंटू रेट, मतलब जितना उसका कर्व सरफेस एरिया है, चाहे तो लिख लीजिए आप हिंदी मीडियम वाले, पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणे लागत, सॉरी लागत नहीं रेट, दर, दर बोलते हैं इसको हिंदी में, रेट को दर बोलते हैं। तो आप यहां लिख सकते हो पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणे दर, इंग्लिश में लिखेंगे CSA इंटू रेट, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो CSA कितना है,
कहीं से मिला था क्या? नहीं, शंकु यानी कौन का सी एस ए पाई आर एल होता है इंटू रेट जो है 210/100 पहले से दिया है, रख देंगे मान रखोगे 22/7 इंटू आर का मान 7 एल का मान 25 गुणे 210/100 इनको हल कर लेंगे 7 से 7 कट जाएगा, 25 से ये कटेगा, 25 चौका 100। अब ये जो भी कट पीट रहा है काट पीट लो फटाफट, कुछ कटेगा क्या? इसके बाद हम ऊपर हल करेंगे, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं भाई? चलो अब इनको हम एक काम कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अगर आप ध्यान दो इनका गुणा करेंगे, अब 22 का गुणा अगर हम 210 में करें और नीचे यहाँ पे देखो 4 है, सिर्फ और सिर्फ 4 है, कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा है का? गुणा करके देखो फिर मुझे बताओ, मैं बताता हूँ। देखो बच्चों इसमें गड़बड़ नहीं है, लेकिन इसको हल करने का एक आसान तरीका करिए, ऐसे थोड़ा तरीका लंबा हो जाएगा। आसान क्या है, आप 7 से 7 को तो काट दिए, ठीक है इतना चलता है, अब 25 से 100 को मत काटिए, 25 से 100 को काट देने से यहाँ पे थोड़ा मामला फंस जा रहा है, मतलब कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तो कैलकुलेशन हम लोग शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो बाबू क्या करेंगे, हम 25 को नहीं काटेंगे इससे, इसीलिए हमारे लिए आसानी होगी। कैसे, हम 1 0 से 1 0 काट देंगे, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। नीचे देखो 10 बच रहा है और कुछ नहीं बच रहा है, ऊपर अगर देखो तो 25 बच रहा है, 21 बच रहा है और ये 22 बच रहा है, इन सब का हम गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे, 25 का गुणा कर लो 22 में, आसान है मल्टीपल करना, आसान हो जाए इसलिए मैंने ऐसा किया, 25 का 22 में करेंगे बाबू, 25 दूना 50 का 0 हाफी लाया कितना, 5 25 दूना 50 5 55 यानी ये 550 हो जाएगा, और गुणा 21/10, समझ में आया, 25 का 22 में और 21 का गुणा कर लिया 10/10, इनको गुणा कर लीजिए आप, 1500 कुछ आएगा, कितना आएगा भाई, 21 का 0 में पढ़ोगे 0, 21 पंचे 105 करके देखो 11000 लगभग समथिंग आएगा, 11550 करके देखो, 11550/10 भाई, 0 से 0 कट गया, यानी 1155 रुपया आएगा खर्चा, ठीक है, बराबर कितना आएगा 1155 रुपया, यानी उसका खर्चा सफेदी कराने का कुल 1155 रुपया आएगा। एनी डाउट किसी को पूछिए फटाफट, जल्दी करिए, आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी करें फास्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आज करना है, करा एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार का त्रिज्यमान सेंटीमीटर, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इस प्रकार की टोपी 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, जो त्रिज्यमान है ना उसपे कुछ और है, तो बाबू जहां पे त्रिज्यमान लिखा है ना वहां पर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, बस आप इतना जान लो और कुछ नहीं है, ठीक है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाई 24 है। आइए मैं जोकर की टोपी बना देता हूँ। भाई जोकर की टोपी होती कैसे है, आप सबको ये चीज तो पता ही होगा, कुल्फी आपने खाया होगा, आइसक्रीम खाया होगा, उसे उल्टा कर दो, बस यही क्या है, जोकर की टोपी है, कुछ ऐसे ही होती है। इसकी रेडियस दिया है बाबू, कितना दिया रेडियस, 7 सेंटीमीटर। आवाज में थोड़ा शोरगुल है क्या, ये 7 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई दिया बाबू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा क्या है जरा देखना, ध्यान से सुनना क्या पूछा है, समझना, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिए, इंग्लिश में भी मैं बताऊंगा, सुनिए हिंदी में। करा एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जो कि इसमें गलत टाइपिंग है, लिख लेना 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई मीन्स हाइट 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लीजिए। करा अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। Find the area of seat required to make 10 such caps. आइए लिखिए, given means दिया है, यहाँ पे आप लिखेंगे given, given means दिया है, देखो बाबू R दिया है इसमें और आपको H भी दिया है 24 सेंटीमीटर, एंड और क्या दिया भाई, कुछ दिया और का नहीं दिया है,
चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमें सी एस ए फाइंड करना है। लिखिए कर्व सरफेस एरिया, या फिर आप लिख लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, लिख लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, ए टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, या फिर इंग्लिश में लिखेंगे सी एस ए ऑफ वन कैप इक्वल क्या हो जाएगा जो अभी तक आप पढ़ते आए हो, पाई आर एल। शंकु है ना, तो पाई आर एल, बेलन होता तो टू पाई आर एच। मान रख दीजिए पाई का मान 22/7, आर का मान मीन्स रेडियस, रेडियस मीन्स 7, और यल का मतलब भाई इसमें सेलेंटिंग लाइन दिया था क्या? नहीं, यल तो दिया ही नहीं है। क्या करेंगे, पहले यल फाइंड कर लेंगे कहीं साइड में, क्योंकि देखो इसका काम लग रहा है फंस रहा मामला। तो बच्चों इस तरह से अगर आप इसमें देखो समझो, अगर फिगर कहाँ गई, ये क्या रेडियस है ना, अगर हम इसको आर से प्रदर्शित करें इफ लाइन को, और बाबू इफ लाइन को अगर हम एच से प्रदर्शित करें, मींस ये हाइट है, ये आर है मींस रेडियस है, और ये यल है। ठीक है, समझो इसमें यल नहीं दिया है, याद रखना ये हाइट है जो दिया है। ये तो मैं लाइन खींच करके यहां लाके बाहर दिखाया हूं, क्योंकि यहां जगह नहीं थी, तो ये एच है। तो यल निकालना है तो क्या होगा, आप देखो एक ऐसे त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो सूत्र लगा दोगे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा इसमें, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, समझ रहे हो ना, लगा के देखो फट से। चलो तो चलो लगाओ, लिखो लिखो लिखो, यल इक्वल, शॉर्टकट में कर लो, इतना आप लोग जानते हो, यल इक्वल अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो बेटा ये 7 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर, ये फाइनल में 49 प्लस 576, ये 625 अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन स्क्रीन से गुम कर दीजिए, यल का मान 25 आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, 7 कट गया, 25 × 50 555 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सभी मान जो दिए गए थे आपको क्या दिए गए थे, सेंटीमीटर में दिए गए थे। इस तरह से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो जल्दी से, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन डन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िएगा। एक महत्वपूर्ण संदेश स्क्रीन पर दिख रहा है, 25 जून से 9th और 10th की सारी क्लासें पीबीआर स्टडी 3.0 चैनल पर चलेंगी। अगर आप इस समय पीबीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल या हमारे कोई और चैनल पर हैं, तो आप इस पे आ जाएंगे 25 जून अगर बीत चुकी है तब। ठीक है, ये क्लास पहले से ही चलती है, इसलिए मैं पहले से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ 15 दिन पहले से। क्लास के बारे में आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये 50+ टारगेट इस समय चल रहा है लाइव करने का, आप लोग कम से कम 25 लोगों को शेयर किया करें। क्लास का टाइम है यहाँ पर स्क्रीन पर देख लो, आप लोग पूछते हो कितना बजे चलता है, ए बी सी डी। इस समय यूट्यूब पे 4 फ्री क्लास चल रही, देख लीजिए अपनी क्लास समझ लीजिए और फिर पढ़ते रहिए। 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, कह रहा किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है, प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है, यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की जो दर है वो 12 रुपए/m² है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी, ये आपको फाइंड करना है। इसमें पाई का मान दिया गया, आपको पाई का मान वही रखना है दशमलव में, ठीक है, और आपको अंडर रूट 1.04 का भी वैल्यू दिया गया है। इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। अब बस स्टॉप बैरिकेडेड फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाई यूजिंग 50 हॉलो कॉन्स मेड बाई रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, ईच कॉन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1 सेंटीमीटर, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कॉन्स टू बी पेंटेड
एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज रुपी 12 पर मीटर व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कॉन्स ये आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन देखिए लिखे गिवन दिया है, जो दिया है मैंने उसको लिख लिया साइड में, आप देख लो। लिखो गिवन, गिवन लिखने के बाद क्या करोगे बच्चा पार्टी, ध्यान दो। आप फार्मूला लगाओगे, कौन सा फार्मूला लगेगा? एक चीज और इसमें रेट भी दिया है, पेंट करवाने का रेट, रेट दिया है। कितना दिया है? 12 रुपया पर मीटर स्क्वायर, ये क्या दिया? रेट दिया है। तो बच्चों पहले तो फिगर बना लो भाई, क्वेश्चन को छोटा करके हम एक फिगर बना लेते हैं, एक चित्र बना लेते हैं साइड में। देखो एक कॉन के जैसे, मतलब शंकु के जैसे चित्र बनाएंगे। बस अड्डे को क्या किया जा रहा है? शंकुआकार में अलग किया जा रहा है, मतलब काट काट के कुल मिला के इसको तोड़ा जा रहा है। इसका रेडियस 40 है, मतलब व्यास 40 है भैया बाबू, ये नीचे क्या 40 है। इसकी हाइट जो है ये दिया है 1 मीटर, ठीक है, ये बीच वाली जो है वो 1 मीटर दिया है, यही तो दिया है। इसमें देखो यल का एक मान दिया है, अभी सूत्र लगाओगे जो पाई आर यल, तो इसमें यल का काम लगेगा और यल कहीं दिया नहीं है, समझ रहे हो। अगर डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करोगे तो 0.2 मीटर आएगा। तो बाबू क्या करोगे, यहां से पहले यल फाइंड कर लोगे आप। तो यल बराबर आपको पता है, अगर इसको हम लंब मान लेंगे, इसको आधार मान लेंगे, इसको बेस और इसको कर्ण मान लेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है ना, आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, स्क्वायर हटता है तो वर्गमूल लग जाता है, तो ये आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये क्या है? स्क्वायर है। सारे मान लाके पुट कर दो, फटाफट सारे मान रख दो, आंसर दौड़ के आ जाएगा। आर मीन्स रेडियस, देखो बाबू रेडियस 0.2 दिया है, हाइट दिया है 1, ये हो जाएगा 0.04 और ये 1, क्यों 0.04 हो जाएगा ना, थोड़ा कम दिख रहा होगा क्योंकि पतला चल रहा है ना, पकड़ नहीं पा रहा ना कैमरा, चलो कोई बात नहीं है। ये हो जाएगा आपका यल, बाबू देखो इसको जोड़ोगे भैया तो 1.04 आएगा, क्योंकि इसका मान दिया है, इसका मान आपके बुक में कहा था कि 1.02 दिया है, ये दिया है 1.04, अगर अंडर रूट में है तो उसका मान नीचे दिया है, हम कहेंगे कि यल का मान 1.02 आ गया, ये सेंटीमीटर, ठीक है, एनी डाउट? नहीं। अब लिखो, इसको मैं इधर साइड मिटाऊंगा, मैं यहीं पे लिखवाऊंगा, लिखो CSA of one cone, एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले एक का निकाल लोगे फिर 10 से गुणा कर देना, जितने का भी निकालना उससे मल्टीपल कर देना। तो लिखो CSA of one cone, पहले लिखो एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, लिखो, अच्छा दिख रहा है ना ऊपर, तो एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बाबू? पाई आर एल, इसका मान रख दो 3.14, आर मीन्स रेडियस, इसका वैल्यू 0.2 आया था ना, 0.2 इंटू यल, यल का मान अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया है जो कि कितना आया था 1.02, इन सब का आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है? हल करके देखो भाई, देखो इसका गुणा कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 12 × 24 और 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा, 0.024 हो जाएगा, समथिंग ऐसे कुछ ना। फिर इसका उसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा जानते हो? 0.640 and 56 करके देखो, 0.640 56, ये क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सभी मान सेंटीमीटर में दिए हैं, क्या मीटर में दिए हैं यार भाई, ये सब मीटर में दिया गया था ना, तो मीटर क्यूब करोगे, सेंटीमीटर क्यूब नहीं, ये वन कौन का आ गया। क्वेश्चन में देखो तो इसमें 50 खोखले शंकुओं के बारे में बात की गई थी ना, तो आप लिखोगे 50 शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे 1 का आ गया वैसे 50 शंकुओं का CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, तो इनको क्या करोगे बाबू? 50 से आप गुणा कर दोगे, 640 56 को 50 से गुणा करोगे, गुणा करके आप देख लो तो 32.028 आएगा,
ये मीटर का क्यूब, ये 50 का आ गया, क्योंकि इसमें हमें रेट निकालना है खर्चा, कितना खर्चा लगेगा। तो आप लिखोगे कॉस्ट इक्वल, कॉस्ट इक्वल फार्मूला होता है एरिया गुणे रेट, तो लिख लो एरिया गुणे रेट। हिंदी वाले लिखेंगे लागत बराबर कुल पेंट करवाने का खर्चा बराबर या लागत बराबर क्षेत्रफल गुणे दर, हिंदी वाले लिखेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल गुणे दर, दारा दर, ठीक है। ओके चचा चलो, क्षेत्रफल कितना आया था भैया, ये आया अभी 32.028, दर है 12 रुपया पर मीटर क्यूब, फाइनल में गुणा करोगे तो 384.40 रुपया आएगा। ये क्या आया, ये खर्चा आया, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो बोलो, एनी डाउट, नहीं ना, कोई डाउट है तो बता दो बिल्कुल कि हाँ मुझे डाउट है। बच्चों इस तरह से आपका एक्सरसाइज 13.3 एंड हुआ, और एक नया चैप्टर पढ़ेंगे हम 13.4 अगली क्लास से। कुछ भी कहना है तो कमेंट करके बता दो मुझे, बिल्कुल टेंशन मत लो, लेकिन हाँ क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, साथियों को खूब शेयर करिए, जितना ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे हम उतनी बेहतरीन क्लास लेके आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत सोल्यूशन का, एक्सरसाइज 13.4 क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या कह रहा है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए, पाई इक्वल 22/7 लीजिए, एक्सरसाइज 13.4 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, हिंदी इंग्लिश मीडियम सभी के लिए है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं इसका इंग्लिश में भी पढ़ के सुनाऊंगा, आप ध्यान से सुन लीजिए। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस, यानी जो ये रेडियस दिए गए हैं इन पर आपको क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है, CSA फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या दिया है बाबू, लिख लो फटाफट। फर्स्ट इसमें रेडियस दिया है आर इक्वल 10.5 सेंटीमीटर, क्या है ये, कौन सा फिगर है, सरफेस है, सरफेस तो है ही, स्फेयर है, गोला है, ठीक है। फार्मूला लिखिए फटाफट, एक ही फार्मूला होता है, TSA इक्वल लिख लीजिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर मीन्स TSA इक्वल 4πr², क्यों यही होता है कुछ और होता है ना भैया, रख दो सारे मान, मान पुट करिए फटाफट बिना देर करे हुए, 4 × π, पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू आपको पता है कि 10.5 दिया था ऑलरेडी, कोई डाउट किसी को नहीं, स्क्वायर है इसलिए इसको हम 10.5 × 10.5 टू टाइम करेंगे, मतलब दो बार। अब इसको तो हल करना आप लोगों को आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका मल्टीपल करोगे 88 हो जाएगा, अपान 7 × देखो बेटा इनको आप काट सकते हो, चाहे तो यहीं काट लो, पहले रुक जाओ अभी मत लिखो, 7 से काटोगे तो 7 × 7 और 7 × 35 1.5 का इसमें गुणा कर करोगे ना तो कितना आएगा पता है तुम्हें, नहीं पता है, करके देखो 15.75 आएगा लगभग, कितना आएगा 15.75, तो ये आपका 88 × ये 15.75 मल्टीपल करके देख लो आपका 1386 आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट है, नहीं ना, देखो बच्चों मल्टीपल करना तुम्हें आना चाहिए, 1.5 मतलब 15 का 105 में गुणा कर लो भाई, 15×75 5 × 7 और 7 यहाँ लिख दिया, 15 × 15 हो गया, 2 अंक पे 10 लगा दिया, फर्स्ट पार्ट हो गया डन। सेकेंड पार्ट देखो बेटा, इसी में दिया है रेडियस 5.6 सेंटीमीटर, चलो उसको भी रख देते हैं, सिर्फ रेडियस मिटाओ यहां से बस। सेकेंड पार्ट देखो मगर प्यार से, ये सेकेंड पार्ट है, ये 5.6 सेंटीमीटर दिया बाबू, 5.6, 10.5 की जगह 5.6 रख दोगे हर जगह बस, और कुछ नहीं, मान रख लोगे ना सभी की, बताऊं मैं इसको भी, चलो बता ही देता हूँ, पाई का वैल्यू हो गया आर की जगह पे 5.6 × 5.6, ओके नो डाउट, इसे काटोगे 7×8 56,
0.8 आ जाएगा ना, क्यों भैया सही जा रहा है ना, गुणा कर लो ये 88 हो जाएगा, ये आपका 8 से गुणा कर लो, 8 छंग 48 का 8, हाफी लाया 4 और 8 पंचे 40, 4 44 और दो अंक पर दशमलव लग जाएगा, 4.48 आएगा समथिंग, क्यों करके देख लो भाई, कर लोगे ना, अरे यार 8 छंग 48, 8 हासिल 4, 8 पंचे 40, 4 44, दो अंक पर दशमलव लग गया, बेटा इनको भी गुणा कर लो आप तो 394 आएगा, कर लोगे ना, कितना आएगा 394.24 समथिंग यही आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेकेंड पार्ट भी हो गया डन, लिख लीजिए इसका अगला तीसरा पार्ट पे चलते हैं, जहां पर रेडियस 14 दिया है, आर का मान 14 रखना है, इसमें क्या करोगे बच्चों, इसमें भी वही करना है जो अभी तक करते आए हो, जहां पर आर दिया वहां पर 1414 × 1414 यही करोगे, इंक ज्यादा हो गई तो बहने लगी है, कम रहे तब वो नहीं सही है, क्या करूं मैं भाई, 7 से काट दो, 7 × 2 = 14, ये हो जाएगा 22 दूना 88 इंटू 14 × 2 = 28, इनका गुणा करके देख लो बेटा 616 आएगा क्या, नहीं मुझे गलत लग रहा है कुछ, ये 7 × 2 = 14 ठीक है, 14 × 2 = 28 यार ये मुझे लेकिन कुछ गड़बड़ लग रहा, फिर भी क्यों कहाँ गड़बड़ा रहा है, एक मिनट क्या दिया इसमें, देखो रेडियस ही तो इसमें भी दिया है ना, कुछ और दिया, ठीक तो है फिर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो ये आएगा आपका 2464 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डन हुआ, कंप्लीट हुआ, आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, जल्दी करिए आगे बढ़ें, फास्ट करिए, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट के पीछे बिल्कुल ना पड़े, बच्चों एक महत्वपूर्ण सूचना है, क्लास का टाइम आप स्क्रीन पे देख लो पहले, कौन सी क्लास कब होती है, 4 क्लासेस इस समय यूट्यूब पे फ्री होती हैं, समय लिखा गया साइड में, आगे क्लास का नाम लिखा, देखो जल्दी देखो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, और आप जो देख रहे हो ना ये इन्फॉर्मेशन है 25 जून से, पढ़ लीजिए पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्या लिखा है, 25 जून से सारी क्लासे पीवीआर स्टडी चैनल नंबर 3 पे चलेंगी, अगर 25 जून हो चुका है तो आप इसी चैनल पे आओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले, थर्ड नंबर नहीं पहले सेकंड, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसमें भी क्या करना है बाबू, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें भी फाइंड करना है, बशर्ते इसमें व्यास दिया है, मतलब डायरेक्ट रेडियस नहीं दिया है, आपको रेडियस फाइंड करनी है, बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है हम रेडियस निकाल लेंगे, जाता क्या है, चलो देखो बेटा इसमें दिया है डी बराबर 14 एंड डी बराबर 21, चलो निकाल लो, अगर डी दिया है तो यहां से आर निकाल लोगे, आर इक्वल होता है डी अपॉन 2, ये 14/2 यानी आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, यहां से आप फार्मूला लगाओगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, लिख लो टी एस ए ऑफ स्फीयर एस पी एच ई आर ई, हिंदी वाले लिख लेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हिंदी में लिख लो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र वही लगाओगे 4πr² 4 × π = 22/7, आर का मान 7 आया है, स्क्वायर है तो दो बार कर लोगे ये कट जाएगा, ये 88 × 7 आ जाएगा, 7 से मल्टीपल कर लोगे बाबू, नीचे लिख दो 7 × 8 = 56, 5 × 7 = 56, 5 = 61, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, कोई डाउट नहीं, नो डाउट, सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट में देखो बेटा रेडियस दिया गया 21, कितना दिया है 21 दिया ना, आओ सेकंड पार्ट को इधर साइड में ऐसे हल कर देते हैं, यहाँ पे आर निकालोगे बेटा तो 21/2 आ जाएगा, क्योंकि रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है ना, इसमें भी लिख लो टी एस ए ऑफ स्फीयर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr² 4 × π = 22/7, आर का मान 21/2
इंटू 21/2, क्यों? क्योंकि आर का वैल्यू ही आया है। रख दीजिए, सात से कट जाएगा, सात तरीक 21, दो से काट दीजिए 11 आ जाएगा, इस दो से कट जाएगा 2 आ जाएगा, 11 तिहाई 33। 33 को 2 से मल्टीपल करोगे कितना आएगा भाई? कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या मुझे लग रहा है? करके देखो तो एक बार यार, क्यों देखो एक बार, कहीं कुछ छूट रहा है क्या? कुछ नहीं छूट रहा है, 33 हो जाएगा। ठीक है, ये 11 दूना 22, 3 से गुणा करोगे 66 हो जाएगा, ऊपर ये 21 बच रहा है, 21 छक्का, इसमें मल्टीपल कर लो बेटा, कर लो, 1386 आएगा, कर लोगे ना? कितना आएगा? 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? नो डाउट, नहीं डाउट ना? चलो लिखो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं तीसरा पार्ट इसका करता हूँ। ठीक है, जल्दी करिए, तीसरा पार्ट पे आगे बढ़े, जल्दी करो भाई। देखो बच्चों, थर्ड वाले में 3.5 मीटर दिया है रेडियस, रेडियस नहीं डायमीटर दिया ना भैया, ये डायमीटर दिया बाबू। तो आप इनका आर निकालोगे तो 3.5/2 हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क होगा, आप इसे खुद से करना और उत्तर कमेंट करना, मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, किसी को कुछ कहना है तो बोलिए कमेंट में, जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है। थर्ड नंबर कह रहा है 10 सेंटीमीटर रेडियस दिया है और ये हेमी स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर रेडियस दिया है और इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या है ये? हेमी स्फेयर है, मीन्स अर्धगोला है। आइए बताता हूं कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, एकदम आसान है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है बेटा, इसमें आप एक हेमी स्फेयर ड्रा कर लोगे ऐसे, हेमी स्फेयर जानते हो अर्धगोला, यह ऐसे बना हुआ है, इसे तो तुम सब बहुत अच्छे से जानते हो, प्यार से कटोरे में भगोला, हाँ जानते हो ना। इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, मींस ये क्या है बाबू, ये 10 सेंटीमीटर है लाइन जो मैंने अभी ड्रा किया। वो कह रहा कि इसकी टोटल सरफेस एरिया फाइंड कीजिए, लिख लो टी एस ए ऑफ हेमी स्फेयर इक्वल, टी एस ए ऑफ हेमी स्फेयर इक्वल 3πr³ ना, स्क्वायर होता है, तो 3 × π का मान 22/7, r का मान आपका 10 दिया है तो 10 × 10 हो जाएगा, मल्टीपल कर लो फटाफट। पाई का मान आप दशमलव में ही रख सकते हो, वैसे भी रख सकते हो, अगर दशमलव में रखोगे थोड़ा आसानी हो जाएगी हल करने में। काहे? देखो दशमलव में रखने पे आसानी ये हो जाएगी कि आप 3.14 इसको इसमें 100 से गुणा करोगे तो दशमलव जो है 2 अंक भाग जाएगा किधर, बताता हूँ। देखो ये 3 × 4 = 12, हासिल 1, और 3 × 1 = 3, 4 3 × 3 = 9, 2 अंक पर दशमलव होगा बेटा, तो आपका ये हो जाएगा ऐसे, इसमें 100 हो जाएगा दोनों गुणा करके। इसमें जब 100 से गुणा करोगे तो इसमें 2 जीरो पीछे और बढ़ जाएगा, फिर जो 1 अंक पर दशमलव था वो दशमलव तो 1 अंक पर रहेगा लेकिन पीछे फिर रहेगा। तो कुल मिलाकर के मैं पूरा दिखाई देता हूँ, 942 ये 00, 1 डिजिट पर पीछे फिर दशमलव लग जाएगा ना, 2 अंक पर लगा यार, 1 अंक पे कहाँ लगा है? 1 मिनट रुको, सॉरी यहाँ पे 2 अंक पर डेसिमल था बाबू, तो यहाँ पे भी तो 2 अंक पर डेसिमल होगा, तो 9.42 आना चाहिए ना ये। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 डिजिट पे पॉइंट हो जाएगा, 942 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आंसर आ गया। इस तरह से आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन भी पूरा होता है, किसी को कुछ कहना है तो बोल दो। 12 मिनट में 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बेटा, लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। कुछ भी डाउट है तो बोलो, बिल्कुल निसंकोच बोलिए फटाफट। नहीं ना, सब बात पक्की है ना, क्वेश्चन का सलूशन पूरा दिख रहा है, कुछ छुपा नहीं है, 10 तक ही है, यहीं तक लिखा है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, ठीक है, खूब शेयर किया करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े तभी मजा आएगा। क्लास का टाइम स्क्रीन पे देख लो, कौन सी क्लास कब होती है, यूट्यूब पे फ्री क्लास है। 4 नंबर आज पढ़ेंगे, ईमानदारी से देखिए, हिंदी में दिख रहा है, इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ। इंग्लिश में क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, हिंदी में नीचे दिख रहा देख लीजिए। कह रहा आ रेडियस ऑफ आ स्फेरिकल बैलून
इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर बीइंग पंप्ड इनटू इट, यानी एक गोलाकार गुब्बारा जिसमें हवा भरने पर उसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है। फाइंड द रेडियस ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेज, दो स्थितियों में बैलून का क्या करिए, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, इन दोनों स्थितियों में, मतलब पहले जब 7 सेंटीमीटर थी तब और जब बढ़ के 14 सेंटीमीटर हो गई तब, दोनों स्थितियों में क्या करना है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उनका रेशियो फाइंड करना है, अनुपात ज्ञात करना है। चलिए लिखते हैं, लिखिए छोटी त्रिज्या बराबर, देखिए साथियों पहले गुब्बारा छोटा था, फिर जब उसमें हवा भरी गई तो वो बड़ा हो गया, डबल हो गया। तो कुछ ऐसे इसे समझ सकते हो, जैसे मान लो अगर गुब्बारा गोला था, पहले इतना बड़ा था तो इसकी रेडियस कितना थी बाबू, ये 7 सेंटीमीटर थी, फिर इसमें हवा भरा गया तो गुब्बारा बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो इसकी रेडियस ये 14 सेंटीमीटर हो गई। अब कह रहा है कि इनका जो सीएसए है, सरफेस एरिया, क्या बोलते हैं उसे, कर्व सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उनका रेशियो फाइंड करना है। तो लिखो छोटी त्रिज्या, इसको हम स्मॉल आर मान लेते हैं, लिख लीजिए स्मॉल आर इक्वल 7 सेंटीमीटर, बड़ी त्रिज्या इसको कैपिटल आर मान लीजिए, ये 14 सेंटीमीटर है। आगे क्या दिया है, कह रहा दोनों में रेशियो ज्ञात कीजिए, है ना, तो दोनों में अनुपात लिख लीजिए, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करना है। तो साथियों जो गोला की पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सी एस ए, आप सबको पता है कि 4πr² होता है, तो बड़े वाले त्रिज्या के लिए हम 4πr को कैपिटल में रखेंगे, इसे आप याद रखना, ठीक है, 4π से 4π कैंसिल हो गया, r का स्क्वायर इक्वल कैपिटल r का स्क्वायर, इस r का मान 7 है, इसका मान कितना है बाबू, 14 है, हल तो सभी कर लेंगे, 7 × 7 ये 14 × 14, 7 से काट दो 2 आएगा, ये भी आप काट सकते हो 2 आएगा, उधर साइड में 4 हो जाएगा, इधर 1 ही रहेगा, तो 1:4 यानी आपका आंसर कितना आएगा, 1:4। हो सकता है आपकी बुक में अगर बेटा ये 4:1 दिया हो तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एनी डाउट किसी को, नहीं ना, जल्दी से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी करें। पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल वैसे है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, यदि 16 रुपए प्रति सेंटीमीटर² की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, मतलब पेंट कराना है, सिंपल सा बात है भैया, इसका आंतरिक व्यास दिया है, यानी एक गोला है, इसे ऐसे मैं इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ, इसमें ऐसे क्या है बाबू, ये एक अर्धगोले के आकार का कटोरा है, इसका आंतरिक व्यास यानी ये चीज 10.5 है, ठीक है, तो पहले आप इसका सी एस ए निकाल लेना, और सी एस ए निकाल करके 100 सेंटीमीटर² की दर 16 रुपए है उससे गुणा करके अपना कन्वर्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा, ये होमवर्क है, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। इसमें देखो बहुत सिंपल है, गोले का आपको रेडियस फाइंड करना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, आप गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाओगे और उसके नीचे 154 रख देना, बराबर एक तरफ सूत्र आ जाएगा और एक तरफ 154 आ जाएगा, हल कर लोगे आ जाएगा। सातवां क्वेश्चन मैं करवा दूं, चलो सातवां मैं करवाता हूं, तो आप लोग ट्राई करना, नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं सब बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना। चलो बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में आप नीचे देखो दिख रहा है, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया, एक बार फिर से सुन लीजिए, कह रहा द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, यानी जो चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, 1/4 है, देन पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो फाइंड करना है, अनुपात ज्ञात करना है, लिख लीजिए जो दिया है, फटाफट लिखो, इसमें कुछ दिया तो है नहीं यार, लिखो मानेंगे, लेट्स डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल 1, हिंदी में लिखिए, माना पृथ्वी का व्यास बराबर 1, देखो बच्चों बिल्कुल सही है ना, करा 1/4 है,
अगर हमने अर्थ का वन माना तो मून का 1/4 होगा। इसे एक काम ऐसे भी कर सकते हो, इसे व्यास मान रहे हो ना बाबू, तो व्यास मान रहे हो तो इसे पृथ्वी का है, वैसे ठीक है सिंपल में लिख दो अभी 1, ठीक है नो प्रॉब्लम। अभी इसमें आपको एक चेंजिंग करना है, वो क्या भाई, व्यास का तो काम लगेगा नहीं, हमें रेडियस का काम लगेगा। तो यहाँ से अगर हम रेडियस निकालेंगे, आर नीचे ई लिख लेना मतलब अर्थ, तो रेडियस इसकी आधी होती है मतलब 1/2 हो जाएगी। हाँ, अगर इस व्यास से आप रेडियस निकालोगे, इसका आधा करोगे तो आर यम मतलब मून, तो ये 1/8 हो जाएगा। 1/4 का आधा कर लेना, 1/8 आएगा, ठीक है नो डाउट। कह रहा दोनों के सी एस ए में रेशियो फाइंड करिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात कीजिए। नीचे फार्मूला लगाओ, लिख लो रेशियो इन कर्व सरफेस एरिया, चाहे तो लिख लो ऐसे हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, लिखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर, भाई सिंपल सा बात है, इनका जो सी एस ए का फार्मूला होता है बाबू 4πr², क्यों यही होता है ना, लेकिन अर्थ के लिए आप नीचे ई लगाओगे और 4πr², यहाँ नीचे यम लगाओगे, जिससे दोनों में डिफरेंस जनाई पड़े। 4π से 4π कैंसिल हो गया, आर ई का मान रख दो 1/2 और ये 1/8, इनको आप सॉल्व करोगे जब साथियों, क्वेश्चन हटा दो भाई, क्वेश्चन हटा दो रे बाबा, हटा दो ना, ये लो इनको हल करोगे तो बाहर से बाहर का मल्टीपल अंदर से अंदर का होता है, क्यों भैया यही तो होता है बाबू, कुछ और होता है यार, क्या होगा देखो तो एक बार ट्राई करो। जल्दी करें फास्ट, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। आपको याद दिला दूं कि आप पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 13.4 क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको हिंदी में दिख रहा है, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं, सुन लीजिए। अ हेमी स्फेरिकल बाउल, हेमी स्फेरिकल मतलब अर्ध गोले के आकार का कटोरा, ठीक है। अ हेमी स्फेरिकल बाउल जैसे वहां बना है, इज मेड ऑफ स्टील 0.25 थिंक, थिंक मतलब मोटाई का, ठीक है। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 cm, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, यानी एक कटोरा है जो 0.5 cm मोटी स्टील से बना हुआ है, ठीक है भैया। बाबू कितने का बना है, 0.25 का बना है, शायद इसमें क्वेश्चन में ओनली 5 टाइप है ना, ये क्वेश्चन में थोड़ा गलत लिखा गया है। आप ये समझ लो कि कटोरी की जो थिन है वो 0.25 है, नॉट 5। तो कहने का ये मतलब है, जैसे कोई कटोरा है, कोई बर्तन है, तो उसकी अपनी एक मोटाई होती है, ये आप जानते हो कि नहीं, जानते हो ना, कोई बर्तन होगा तो उसकी एक मोटाई होती है, भाई कहते हैं ना बर्तन मोटा है पतला, रुक जाओ मैं ला के दिखा देता हूँ भगोना, किसी को दिखाना नहीं, इसको चुप्पे से देख लो बस, आराम से यहीं रखा था मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो इसकी एक मोटाई है कि नहीं, मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये तो एक इसका रेडियस हो गया जो इसमें भरा जा सके, जैसे मैं इसमें अगर मैं इसमें पेन लगा रहा हूँ देखो, तो ये क्या है, ये इसका डायमीटर है वैसे पूरा पूरा, लेकिन अगर आधे से हम इसको नापेंगे बिल्कुल केंद्र से तो ये क्या होगा, रेडियस होगा, ये पूरा पूरा क्या है, डायमीटर है, व्यास है जितना इसकी लंबाई है, ये क्या व्यास है, ठीक है। तो ये चीज जो है ये क्या मोटाई है, दिख रहा ना, ये क्या मोटाई है, मतलब ये बर्तन जितना मोटा बना हुआ है, वास्तव में जितना ऊपर दिख रहा है इतना मोटा नहीं है, क्योंकि किनारा किनारा एक गोला टाइप का लगा, ये मोटा लग रहा ज्यादा, इतना मोटा नहीं, लेकिन फिर भी इसकी कुछ मोटाई तो है ना, है ना मोटाई, तो वो कितनी मोटाई है, 0.25 है, यही चीज है जो मैं घेरा हूं, जो आपका ये गोला दिख रहा है, समझ रहे हो। तो ये क्या इतना मोटा है, और इसका जो अंदर का रेडियस है वो 5 cm है, जैसे अभी मैं आपको दिखाया, यानी ये क्या है बाबू, ये आपका 5 cm है। तो क्या पूछ रहा है, कह रहा कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब जितना बड़ा कटोरा है वो ज्ञात करना है। तो लिख लो, सिंपल है, लिखो आउटर रेडियस, या हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख लो कटोरे की बाहरी त्रिज्या बराबर, कटोरे की बाहरी त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, भाई देखो सिंपल सी बात है, कटोरे की एक मोटाई है, कटोरे की अंदर अंदर त्रिज्या 5 cm है, तो बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगी बाबू, 5 + 0.25 इक्वल आपका दोनों जुड़ जाएगा तो 5.25 cm हो जाएगा, याद रखना
मैंने जो लिखने वाली बात बोला उसे लिख लेना, मैं लिखा नहीं हूँ। यहाँ लिखना कटोरे की बाहरी त्रिज्या बराबर, कटोरे की बाहरी त्रिज्या बराबर आउटर रेडियस ऑफ बाउल इक्वल इसे करना। ओके चलो आगे क्या करोगे, लिखो सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर कितना होगा, आप बचपन से पढ़ते आए हो टू पाई आर स्क्वायर, भाई टू पाई आर स्क्वायर होता ना हेमिस्फेयर का, अगर स्फेयर होता तो फोर हो जाता है। क्वेश्चन हटाओ, क्वेश्चन हटाओ रे बाबा, क्वेश्चन हटाओ, हट जा भाई, अबे हट जा, हट गया ना, चलो आवाज आ रही मेरी, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे भैया, सारे मान रख दो बाबू, दो गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान आपका 5.25 × 5.25, इनको काट दीजिए, 7 से आप काटोगे, 7 × 7 = 49 और 7 × 5 = 35, 75 आएगा ना, लेकिन दो अंक पर दशमलव लगा था इसलिए यहाँ पॉइंट लग जाएगा 0.75, इन सब का मल्टीपल कर लो ये 44 आ जाएगा, 44 × 0.75 × 5.25 आएगा, सब का मल्टीपल कर लो बाबू आपका 173.25 समथिंग आएगा, 173.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हम लोगों ने एरिया फाइंड किया, अगर वैल्यूम फाइंड करते तो ये क्यूब में आता, याद रखना, किसी को कोई डाउट, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर आपका कहाँ तक हो गया, 8 तक हो गया, 9 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 13.4 का 9 नंबर देखो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो फट से, जल्दी से फटाफट, चलो मेरी फोटो ले लो एक अच्छी सी, बढ़िया दिख रहा है, एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप 9th-10th में हैं, बोर्ड परीक्षार्थी हैं, तो बच्चों आने वाली 25 जून 2022 से, अगर ये अभी नहीं बीता है, हो सकता है आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो टाइम बीत गया होगा, तो पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पे ये क्लास चलेगी, ठीक है, पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल से ये क्लासें उस पर ट्रांसफर हो रही है, याद रखिएगा आज ही जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप यूट्यूब पर पीवीआर स्टडी 3.0 लिख के सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट टाइम में चल रही क्लास का समय भी नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें 4 क्लास है ए बी सी डी, सारा टाइम लिखा है कौन कौन सी क्लास कब होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा, हिंदी में आप स्क्रीन पर देखिए, भाई 9 नंबर ले आओ, ये आ गया, कह रहा है संलग्न चित्र में एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है, तो ज्ञात कीजिए, 3 चीजें ज्ञात करनी है, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ, पहले मैं मतलब समझा दूं, जैसे ये मग्गा है ना मेरा, इसमें हम लोग कपड़ा को भिगो के इसको मिटाते हैं, आज एक सीक्रेट बात बता दे रहा हूँ, तो क्या करूं मैं इसमें अगर एक बॉल ला के डाल दूं, गेंदा जो कि बड़ा सा हो, चारों तरफ से मग्गा को भर ले, ठीक है, समझ रहे हो ना, या रसगुल्ला ला के डाल दें इतना बड़ा वाला, पूरा डिब्बा भर जाए, मुंह में पानी आने लगा, क्लास पीछे जा रही, रसगुल्ला रहने दो, मीठा हो जाएगा, गेंद मान लो तो पूरा भर जाएगा ना, तो ऐसी स्थिति में बोल रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ओके चलिए दिखाता हूं, क्वेश्चन इंग्लिश में सुन लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज्ड अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, फाइंड नंबर फर्स्ट वाला देखिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सेकंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एंड थर्ड रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेंड इन फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, कह रहा है कि अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज्ड अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, फाइंड नंबर फर्स्ट रेडियस सॉरी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एंड सेकंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एंड थर्ड रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेंड इन फर्स्ट एंड सेकंड। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो, लेकिन आप समझ गए होंगे, तो चलिए बनाइए एक ठीक चुप्पे से फिगर। देखो फिगर आपके सामने बन चुका है, चित्र समझिए,
ये इस तरह से कुछ है। साथी मेरे कह रहा है कि इसकी जो रेडियस है आर है, ये क्या आर है, यानी इधर भी आर है, इधर भी आर है, हर तरफ ही आर है ना, है ना। और ये इसकी हाइट मान लो यच है, जो कि कुछ नहीं दिया तो यच होती है, सिंपल सी बात है। हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो यच है वो 2R के बराबर है। बोलो कह सकते हैं कि नहीं भाई, ये यच है, इसी के बराबर ये है, ये आर आर चारों तरफ होगी क्योंकि रेडियस है, हा? तो 2R के बराबर है, सिंपल है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क हो ही नहीं सकता है। ओके आइए क्वेश्चन पे आते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट लिख लो बाबू, फट से लिख लो, लिखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, लिख लीजिए, मैं लिखूंगा नहीं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हिंदी में लिखिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr² त्रिज्या आर है ना, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है यार, इसमें कुछ करना ही नहीं, ये तो सूत्र है। अगर रेडियस आर है, रेडियस आर है तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वही सूत्र होगा, इसमें कुछ नहीं करना है। फर्स्ट हो गया कंप्लीट। दूसरा लिखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे लिखो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। आपको पता है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh होता है, तो मान रख दो 2πr। क्या क्या रखोगे भाई, एक मिनट यार, खजला का रहा है, रखो फट से। इसमें कुछ दिया है क्या, आर का मान, यच का मान दिया है ना, क्यों भाई, कुछ नहीं दिया है, जो भी दिया आपके सामने है, थोड़ा सा दिया है 2π ऐसे रहने दो, आर को भी ऐसे रहने दो, हाँ, और यच की जगह पे 2R रख लो क्योंकि यहाँ पे दिया था, तो ये हो जाएगा आपका 4πr², क्यों, यही तो बनेगा, बस हो गया, ये सेकंड वाला हो गया। एंड थर्ड वाला देख लो बेटा, थर्ड वाला क्या कह रहा है, कह रहा था कि ऊपर जो दोनों आपको मिले हैं एरिया, उनका रेशियो फाइंड कीजिए, तो लिख लो इसको भी चाहे तो, रेशियो या अनुपात बराबर, ये 4πr² अपान 4πr², ये सब कैंसिल हो जाएगा 1/1, फाइनल में 1:1 हम कह सकते हैं, हो गया डन। तो इस तरह से प्यारे बच्चों पूरा चैप्टर खत्म, समझ रहे हो, एक्सरसाइज 13.4 इंड हो गया। खुशी की बात है कि कम से कम ये इंड तो हुआ यार, मजा आया कि नहीं, द इंड हो गया। अगली क्लास में आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.5, पढ़ेंगे ना, ओके।